साथ में आना चाहोगे फैंग? बाय बाय बच्चा मैं। मम्मी हमेशा सारी अच्छी चीजें पीछे छुपाती है। जरा यहाँ देखें, ये हुई ना बात। गिगली टॉफी, सबसे बेस्ट टॉफी। अब इतनी अच्छी है तो खाना ही पड़ेगा, क्यों है ना फैंग? तुम क्या चौकीदार की तरह खड़ी हो फ्लफी? हेनरी, तुम नीचे हो। उप्स, चलो भागे। हेनरी, कमरे में वापस जाओ अभी। हाँ मम्मी। हेनरी, हेनरी नीचे आओ अभी के अभी। हेनरी, मामा ने कहा। मैं बहरा नहीं हूँ लंगूर। मामा कह रही है तुमने सारी टॉफीज खा ली। क्या, मैंने सारी नहीं खाई थी? हाँ, तो इसका मतलब तुमने कुछ तो खाई है हेनरी। पर अब एक भी नहीं बची है और इसका मतलब है तुम तो गए हेनरी। मामा को खाली पैकेट आज सुबह टेबल पर पड़ा मिला। कल रात हमने सारी नहीं खाई, खाई क्या? हेनरी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सिर्फ पैकेट खोला, किसी ने मेरी सारी गिगली टॉफीज खा ली हैं और ये कौन हो सकता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी गिगली टॉफीज? हाँ हेनरी, मेरी गिगली टॉफीज। मैं सिर्फ यही टॉफीज खाती हूँ और इसीलिए मैंने इन्हें अलमारी में पीछे छिपा कर रखा था। और अगर अगली बार मैंने तुम्हें मेरी गिगली टॉफीज खाते हुए पकड़ा तो ठीक है, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं। अब जाओ और तैयार हो जाओ हेनरी। और एक और बात है फैंग, पीटर ने कहा मम्मी को खाली पैकेट टेबल पर मिला, पर हमने तो खाली पैकेट टेबल पर नहीं छोड़ा था। छोड़ा था क्या? तो इसका मतलब है कि हमारे जाने के बाद किसी और ने सारी गिगली टॉफीज खा ली, और मैं जानता हूँ ऐसा कौन कर सकता है। फ्लफी। क्या हो रहा है सुबह सुबह? हेनरी कह रहा है कि फ्लफी ने आपकी सारी गिगली टॉफीज खाई। तुम एक बेचारी मासूम बिल्ली पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो हेनरी? चॉकलेट खाओ तुम और नाम लगाओ इसका। पर अपने रूम में जाओ हेनरी, इसी बार। डिटेक्टिव हेनरी हाजिर है आपके लिए। टाइम आधी रात को। जगह किचन। मिशन गिगली टॉफी चोर को पकड़ना, मतलब फ्लफी को। बच गया। हेनरी, नीचे आओ, तुरंत। पर मैंने ये नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम यहाँ आधी रात को नहीं आए थे? नहीं, हाँ नहीं। तो ये यहाँ खुद चलकर आ गए? ओहो यार, हाँ मैं आधी रात को यहाँ आया था, पर अपने कमरे में जाओ इसी वक्त और पर बाहर मत निकलना। फ्लफी, ये कहीं और जाकर नहीं कर सकती तुम। फ्लफी भागो यहाँ से। फ्लफी को अकेला छोड़ दो हेनरी। So easy being me, I'm home.
सॉरी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ, पहले भी मैं एक बार आ चुकी हूँ। एक बार पहले? हाँ, पर सिर्फ एक ही बार। आज भी मुझे याद है, वो लास्ट टाइम किसी सुनामी से कम नहीं था। हाँ, यहाँ बदला लेने आई हो? ओह नो, मैं बदला नहीं लेती, पर बिगड़े हुए बच्चों को सीधा करती हूँ। ओके, आपने बता दिया, मैं समझ गया। पर एक बात आप भी अच्छे से समझ लो। हाँ, प्लीज जल्दी बोलो हेनरी। मैं उस फटीचर पार्क में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, जो मर्जी करो। और अगर तुमने जबरदस्ती भेजा तो क्या कहा तुमने? मैंने कहा जो मर्जी करो, मुझे भी पार्क्स बिल्कुल पसंद नहीं। ओ, सही है। क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? जो मर्जी करो, बस बकबक मत करो और मुझे म्यूजिक सुनने दो। क्या मैं बिस्किट खा सकता हूँ और चिप्स? तुम पहले क्यों नहीं आई? ये है असली जिंदगी। मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, चाहे कोई आए या कोई जाए। एक स्पेशल अनाउंसमेंट, किलर बॉय रैस के हेडबैंगर आ रहे हैं आपके नजदीकी पार्क में, खास आपके लिए। क्या? कब? कहाँ? सवाल जवाब बंद कीजिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आ रहे हैं किलर बॉय रैट्स एक स्पेशल प्रोग्राम लेके, खास आपके लिए। हाँ, हाँ, सुन लिया, लेकिन कहाँ कब? आपके नजदीकी पार्क में इसी वक्त। घर के नजदीकी पार्क में इसी वक्त? वही तो कहा मैंने, और वो ऑटोग्राफ्स भी देंगे। ऑटोग्राफ्स भी देंगे? किस किस पे? हर चीज पर। क्या है आपके पास? उनका लेटेस्ट एल्बम? हाँ हाँ, उनका लेटेस्ट एल्बम। छुट्टी में मजा, मतलब मम्मी पापा की सजा, ये तो मेरा सबसे फेवरेट एल्बम है। भागो, नहीं तो मौका हाथ से चला जाएगा। जल्दी करो, हमें जाना है। तुम, मैं, हम पार्क जाएंगे। कहाँ? हम पार्क जा रहे हैं, घर के पास वाले। जल्दी करो। क्या? इतनी लंबी लाइन, मेरा तो नंबर ही नहीं लगेगा। हे, मेरे लिए रुको। खड़े खड़े मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। इसका ख्याल रखना प्लीज। हेडबैंग, मेरा हीरो। हे हेड, यहाँ देखो, इस तरफ मैं हेनरी। अरे, उसने यहाँ देखा भी नहीं। ओए लड़के, चलो पीछे लाइन में चलो। क्या तुम मुझे अपना एक आइसक्रीम दे सकते हो? देखो, उड़ता हुआ डायनासोर। हे, वो मेरा आइसक्रीम है, मतलब उसका आइसक्रीम। ओए, वापस आओ यहाँ बदमाश लड़के। मैं तो गया काम से। अब तो भागना पड़ेगा। ये शायद आपका है। इधर आ लड़के। वापस आओ बदमाश लड़के। देखो, अपनी सारी आइसक्रीम गिरा दी तुमने। पहले ही समझ जाना चाहिए था ये तुम ही होगे। चलो भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें दो चार लगा दूँ। भागो यहाँ से। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। देखो, यहाँ है वो। यहाँ है वो, पकड़ो उसे।
मुझे तो एक बड़ी सी नोजी लगती है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैं इसे स्कूल ले जाऊंगा। फ्राइडे को मेरा शो एंड टेल है। वेरी गुड मेरे छोटे लड्डू। फिर भी ये एक बड़ी सी नोजी लगती है। खाने में क्या है? मशरूम और आलू मसाला। ये दिखता तो बड़ी सी नोजी जैसा है। हेनरी! वो इतनी बड़ी थी। झूठ मत बोलो राल्फ। हे राल्फ, व्हाट्स अप? मैं सच कह रहा हूँ ना हेनरी, वो इतनी बड़ी थी ना। अरे वही तुम्हारी नोजी जो तुमने कल नाक से निकाली थी। वो सच में बहुत बड़ी थी। झूठ बोलना बंद करो हेनरी। ये सच है। और जब कल मैं घर गया तो मैंने और भी बड़ी नोजी निकाली, मशरूम के साइज जितनी। मैं अभी भी इसे नहीं मानती हेनरी। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। हाँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है क्योंकि हेनरी जैसी नोजी कोई नहीं निकाल सकता। कौन कहता है? ऐसा मैं कहता हूँ और हेनरी भी यही सोचता है। क्यों सोचते हो ना हेनरी? मैं भी यही कहता हूँ। अपनी अपनी जगह बैठो सब। अगर तुम सच में नोजी के चैंपियन हो हेनरी। ये चैंपियन है तो प्रूव करो लल्लू कहीं के। जरूर करूँगा। हट जाओ हेनरी अभी। कोई बात नहीं हेनरी, अभी भी वक्त है। नोजी उछालना कैसा चल रहा है हेनरी? ठंडा ठंडा चल रहा है। ये सच में बड़ी सी नोजी लगती है। मुझसे जरा भी रोका नहीं जा रहा। कल मिस लवली मेरा बॉगस बीटल ऑरियस देखकर कितने खुश होगी। हाँ जरूर मेरे प्यारे प्यारे लड्डू। इसे बोगसम बीटा लॉरियस क्यों कहते हैं बेटा? इसे बोगसम बीटल लॉरियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सच में एक बीटल है ही नहीं। क्योंकि ये एक नोजी है। मामा, हेनरी मेरे बोगसम बीटल लॉरियस को नोजी नोजी कहता है। हेनरी, अब अगर एक भी आवाज निकाली तो सीधे अपने रूम में जाओगे। मामा, लगता है कुछ जल रहा है। मेरी चाय। पर नोजी में खराबी क्या है? वो अच्छी नहीं है हेनरी। यस, शाबाश हेनरी। तुम इसे किसी को नहीं दिखाओगे हेनरी, ये सीधे डस्टबिन में जाएगा। पर मतलब सड़े लड्डू। बेटा चलो सोने का टाइम हो गया। आया। मुझे पता था हेनरी तुम कर लोगे। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नोजी है। ये सबसे बड़ी नोजी है। अब हम ये कैसे मान ले कि ये नोजी तुम्हारी ही है हेनरी? ये नोजी मेरी है मार्गरेट, और किसकी होगी? वो मेरी है हेनरी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बक रहे हो कीड़े? मैं बात कर रहा हूँ अपने बोगसम बीटल लॉरियस के बारे में जो तुमने चुराया है। ये तो जिंदा है, ये हिल रही है। ये तो सच में जिंदा है। तुमने क्या कहा पीटर, ये तुम्हारी नोजी है? हेनरी,
हेनरी, मुझे समझ में नहीं आता तुम कभी अपना होमवर्क क्यों नहीं करते। कैसे ये भी बता दो। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो तुम्हें होमवर्क करने में हेल्प कर सकती हैं। तो इस तरह करते हो तुम अपना होमवर्क? हाँ, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। ट्राई कर सकते हैं हेनरी। हाँ, थैंक्स ब्रायन। हेनरी, मामा ने कहा। भागो यहाँ से कीड़े, दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। मामा ने कहा उन्हें कोई फर्क। क्या उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ? हेनरी, तुम तुम्हारा होमवर्क कर रहे हो? हाँ, देखो। होमवर्क करने के 100 तरीके वेबसाइट। ओह हेनरी, तुम सच में होमवर्क कर रहे हो। वेरी गुड हेनरी, तुम जरूर फर्स्ट आओगे। तो ये है होमवर्क ना करने के 100 तरीके वेबसाइट। मुझे यही तो चाहिए था। चलो कुछ सिलेक्ट किया जाए। और इस बार का क्या बहाना है? मिस, मैंने आधा होमवर्क कर लिया था कि मेरा ध्यान भटक गया। ये तो मुझे पता ही था। और ये इस बार कैसे हुआ मैं जान सकती हूँ हेनरी? मिस, मैं बहुत ही गहरी सोच में चला गया था। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। आप कहे तो मैं इस बारे में बता सकता हूँ मिस। नहीं हेनरी, अभी नहीं, पर मुझे खुशी है कि तुम कुछ तो पढ़ रहे हो कम से कम। तो हेनरी, कल रात को भी किसी ने तुम्हारा ध्यान भटकाया क्या? हाँ मिस बैटलैक्स। सुनाओ सुनाओ। सबसे बड़ा सवाल, पहले मुर्गी आई या अंडा? और इसका जवाब मिला तुम्हें हेनरी? नहीं मिस, क्योंकि क्या कल रात भी फिर से वही हुआ? हाँ हाँ मिस। इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स। इंटरग्लाइको क्या? इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स, कौन बता सकता है ये क्या है? मिस, कौन? ब्रायन। इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स मतलब जो आप है एक इंसान, वो क्या एक परिवार का हिस्सा है या फिर परिवार आपका ही एक हिस्सा है? गुड ब्रायन। मुझे खुशी है कि कोई तो है जो तुम्हारी टक्कर का है हेनरी। तो ये होगा आज का होमवर्क। कल सब बच्चे इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स पर ऐसे लिख कर आएंगे। याद रहे, कल पहला पीरियड होगा इसी पे। क्लास खत्म। रुको, मैं बताना भूल गई कि ट्रिपल पनिशमेंट मिलेगा जिस किसी ने ये होमवर्क नहीं किया। समझ गए? याद रहे, कोई भी नहीं बचेगा। ओह हेनरी, ये होमवर्क कैसे होने वाला है? ब्रायन, फुटबॉल खेलोगे? नहीं, मैं चला लाइब्रेरी। इस होमवर्क का मुझे भी टेंशन है हेनरी। ठीक है, तुम भी कुछ बकोगी नहीं पागल कद्दू कहीं की मार्ग्रेट। मुझसे बात कर रहे हो करेले? हाँ, तुम्हें क्या पता है इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स के बारे में? सोच भी नहीं सकते उतना। तुम्हारा मतलब क्या सच में ऐसा कुछ है? जी हाँ। और क्या तुम ये जानते हो जोकर कि मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड है, समझे? सच में? हाँ लूजर। और आगे ये सुनो कि वो आज रात हमारे यहाँ डिनर पर भी आ रहे हैं। कुछ समझ में आया घन चक्कर? और राल्फ, अभी भी फुटबॉल खेलना चाहोगे? बाय हेनरी। ये अभी अभी मार्गरेट क्या बक कर गई? तो मुझे इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स के बारे में सब कुछ बताइए। बड़े शौक से मार्गरेट। इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स एक बहुत ही मुश्किल स्टडी है जो आज से 20 साल पहले शुरू हुई। यकीन नहीं होता मैं ये कर रहा हूँ। हम लोग ने काफी रिसर्च की है और ये जानने को मिला कि जो दिन में होता है वो रात में होता है। मैं हूँ ना सबसे बड़ा सुपर कूल।
so easy being me. I'm Hard Henry. La 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 lori, toki katori. पेश है बहुत अच्छा हेनरी, काम के लिए तैयार। उन्हें मुझे दे दो अच्छे बच्चे। तुमने पायरेट वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा पायरेट बना हूँ, अब मुझे दे दे। पर ये बात तो समझ ही नहीं आ रही है, एक बहुत अच्छा पायरेट ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ होता है, तू उसी को देख रहा है। अब वो टॉयलेट पेपर मुझे दे। नहीं दूंगा। दे। नहीं। दे। नहीं 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 दूंगा। अब देखो तुमने क्या कर दिया हेनरी। तेरा मतलब तूने क्या किया? सब कुछ ठीक है ना बच्चों? हाँ मॉम, सब कुछ ठीक है, हम बहुत अच्छे से हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, आराम से खेलो। ये सही नहीं है हेनरी। और तुम्हें पता है कि टॉयलेट पेपर रखने की आज मेरी बारी है। लाइफ में सब सही नहीं होता, बहुत अच्छे बच्चे। मुझे बहुत अच्छे बच्चे मत कहो, तुम ये सब बस इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें अच्छा दिन मिले, है ना? और नहीं तो क्या। तो फिर तुम अपने काम क्यों नहीं करते हो? वो सब कर लिए। सच में? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है हेनरी, ये तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा गंदा मोजा लगता है। जल्द से जल्द उसे धो लो तभी अच्छा होगा। तुम्हें तो पता है ना मॉम कितनी नाराज होती है जब गंदा मोजा मॉन्स्टर उन्हें दिखाई देता है। टिक टॉक टिक टॉक, अच्छे से सफाई कर लो हेनरी। इस हफ्ते मुझे नल साफ करने थे। तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी गंदगी रह गई थी। कबर्ड में डस्टबिन कौन रखता है? मैं रखता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ, थैंक यू। और ये भी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपके बाद फ्लफी, दूसरों के बारे में सोचना। कैसा चल रहा है हेनरी? अच्छा डैड, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा। मैंने टॉयलेट रोल रख दिए, डस्टबिन खाली कर दिया और अब किचन साफ करना है। बहुत बढ़िया हेनरी। क्या आज पीटर को किचन साफ नहीं करना था? हाँ, पर मैंने सोचा मैं कर देता हूँ। बहुत बढ़िया हेनरी। हमेशा दूसरों का सोचता हूँ मैं। बताने आया हूँ कि मैंने घर के सारे काम खत्म कर दिए। बहुत अच्छे हेनरी। घर के सारे काम कर दिए? हाँ बहुत अच्छे हेनरी। मतलब मेरे सारे काम और तेरे भी सारे काम? हाँ हेनरी, मैंने पहली बार में ही सुन लिया था। एक मिनट, मैं सारे काम कर रहा हूँ और तू यहाँ बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहा है। हाँ लगता तो यही है हेनरी। नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ आखिरी पल में नहीं खो सकता। मैंने वो ग्रीन स्क्वायर ईमानदारी से जीते हैं। मुझे भी यही लगता है हेनरी, तो क्यों ना चलकर मॉम को बता देते हैं। ये कुछ करने वाला है। हो गया सारे के सारे ग्रीन। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। डैड ने बताया कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा बीता हेनरी। हाँ लगता है पीटर का दिन भी बहुत अच्छा बीता। पर मैंने सारे काम किए, मैंने अपने काम किए और इसके भी काम किए, इसे तो एक भी ग्रीन स्क्वायर नहीं। So easy being me.
नमस्कार कीड़े। मैं तो सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन मांग रहा हूँ। क्या कहा, प्लेन? मेरे पास भी बचपन में प्लेन था, शायद मुझे प्लेन बनाना अब भी याद है। सच में? हाँ सच में, बचपन में मैंने बहुत सारे प्लेन बनाए हैं। डन डन। वाह क्या बात है, प्लेन क्रैश हो गया पापा। छोड़ो, मुझे सब्जी खरीदने क्यों आना पड़ेगा? पीटर को ले आती ना, उसे तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। और उसे अपना हैप्पी हिप्पोस देखना भी बहुत अच्छा लगता है, और आज टीवी देखने का टर्न उसका है, तो अपना ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। ये गलत है। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है। तुम यहीं पर रुको हेनरी, मैं बस अंदर से अभी आई। कोई शैतानी नहीं। वाओ, ये तो मेरा ड्रीम प्लेन है। पर कितना महंगा होगा। हाँ, अपने पॉकेट मनी से खरीदने में तो 50,000 साल लग जाएंगे। वाह, इस मस्तीखोर माइक के पास भी अब एक आ गया है आइडिया। फटे माइक, रुको तो। क्या? मुझे तुम्हारा प्लेन चाहिए होगा, अर्जेंट है बड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हारा प्लेन चाहिए था एक बिल्ली को बचाने के लिए, वो ऊपर झाड़ पर फंसी हुई है। ठीक है यार, ऐसे ही दे देना मुझे। एक दिन के लिए दे दे, आधे दिन के लिए, एक घंटे के लिए, बदले में जो चाहे दूंगा तुझे प्लीज। तुम्हारे पास अब भी तुम्हारा वो क्रंच क्लास जीरो कूल वाला कॉमिक कलेक्शन है सारे के सारे, और उसका वो सुपर बम्पर सांप सीढ़ी वाला एडिशन, सांप का आतंक, और वो इविल एम्परर वाली कॉपी भी है क्या? ओ हाँ, वो वाली तो पक्का है। चल फिर ठीक है, एक घंटे के लिए तो ले सकता है, पर इसे कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है यार, इसे कुछ भी नहीं होगा बाबा, टेंशन मत ले। इतने सारे कॉमिक्स। अरे वाह। वाह, ये कितना कूल है यार। याद रहे हेनरी, संभल कर खेलना। हाँ हाँ। स्क्वाड्रन लीडर हेनरी रिपोर्टिंग, आज तो आसमान छू लेंगे हम, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ओहो, ये कौन सा प्लेन है? ओए, इस पार्क में ये सब मना है। हमें अपना प्लेन कहीं और उड़ाना होगा। चलो स्टीव, चलते हैं। चलो रेस करते हैं हेनरी। नहीं रहने दो, लगता है डर गए। डर? शुरू करते हैं, पहले जंगल में, फिर फाउंटेन से, फिर मैदान के उस पार, और इस पेड़ के पास होगी फिनिशिंग लाइन। तुम्हें लगता है ये करना ठीक होगा? तुम कब से ठीक और गलत की बात करने लगे? नहीं, मुझे बस तुम्हारे प्लेन की चिंता है, मैं तो रेसिंग में एक्सपर्ट हूँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। ओह, देख के अपना प्लेन उड़ाओ ना। मेरा प्लेन। ए, वापस लाओ प्यारे डॉगी, दे दो ना। It's so easy being
तो हम कल से शुरू करेंगे। ओहो, अब मुझे ये बताओ, क्या किसी ने मेरी डाय देखी है? हम आज फिर लेट होने वाले हैं। जल्दी करो हेनरी, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। पर मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया मामा। सात बज गए हेनरी। चार मिनट में कपड़े बदलकर नाश्ते के लिए पहुंच जाओ। ये रहे तुम दोनों के टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स? हाँ, हर चीज के लिए एक टाइम लिमिट होगा। नाश्ते के लिए 5 मिनट, टेबल साफ करने के लिए 2 मिनट, सुसु करने के लिए आधा मिनट, और आगे पढ़ लो। पर बाकी जरूरी चीजों का क्या होगा, जैसे टीवी देखने के लिए टाइम? सब लिखा हुआ है। टीवी के लिए डिनर के बाद 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? हाँ पीटर, पर छोटे बड़े शो तो आधे घंटे का होता है। और मेरे सारे फेवरेट प्रोग्राम्स का क्या होगा? हाँ? नाश्ते का 1 मिनट तुमने बहस में ही गवा दिया है। अब जल्दी करो, निकलना है। हो गया। बहुत बढ़िया, 2 मिनट में। क्या मैं बचे हुए 4 मिनट में टीवी देख सकता हूँ प्लीज? 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं हेनरी। तो 3 बचे हैं, 4 नहीं, और टीवी नहीं। तुम 3 मिनट का इस्तेमाल ब्रश करने में कर सकते हो। और अब टेबल साफ करो, 1.5 मिनट बचा है। पर मेरी जल्दी करो, हमें 10 सेकंड में निकलना होगा। हेनरी, 10, 9, 8 टाइम पर आ गए। देखा, तुम लोग तो सेट हो। टहलना बंद करो हेनरी। मैं नहीं टहल रहा। आओ। जल्दी जल्दी चलो बॉयज, 4.5 मिनट बचे हैं, जल्दी करो, टाइम पर पहुंचना है। ओके। मजा आ गया, काफी तेज चले, और वो भी 8 मिनट पहले। हुरे! शाम को मिलते हैं बच्चों, आज का दिन अच्छा होगा। हट जा कीड़े, अब मैं टीवी देखूंगा। पापा, मैं देख रहा था ना, मतलब देखने वाला था। टीवी टाइम खत्म हुआ, टाइम टेबल देखो अपना, सोने का वक्त हो गया। पर अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं। सुबह जल्दी उठना है ना बेटा। फिर तो जल्दी ही सोना पड़ेगा। चुप कर। देखा, मैंने कहा था ना, रोज के ड्रामे से छुटकारा मिल गया। ना स्कूल के लिए लेट हुआ, ना झगड़े, ना बहस। कुछ ही हफ्तों में इसकी आदत पड़ जाएगी। कुछ ही हफ्तों में? हाँ, तो आज तो बस शुरुआत थी, अब अगर बातें बंद करें तो हम पूरे 5 मिनट बचा सकते हैं। मैं किताब पढ़ रही हूँ। पढ़ने का टाइम सिर्फ 7:30 मिनट था, टाइम टेबल पढ़ लो। हेनरी, सोने का टाइम हो गया है। पर मुझे नींद नहीं आ रही है। कल हमें जल्दी उठना है ना? तुमने टाइम टेबल नहीं पढ़ा? टाइम टेबल स्कूल से भी बकवास है। कम से कम टाइम पे तो पहुँचे। हम तो झाड़ू वाले से भी पहले पहुँच गए। सुनो पीटर, तुम्हें ये 5 मिनट टीवी देखने वाला चक्कर पसंद है क्या? नहीं, मेरा फेवरेट प्रोग्राम मिस हो गया, और मुझे मिस लवली के लिए ड्राइंग भी बनाने का टाइम नहीं मिला। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बस उठो, ब्रश करो, खाओ, पॉटी करो और सो जाओ। पर हम क्या कर सकते हैं? ये सेहत के लिए अच्छा है ना? मेरी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हेनरी, गुड मॉर्निंग। कितने बजे हैं? अभी तो सुबह के सिर्फ 5 ही बजे हैं। अच्छा, मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये टाइम टेबल बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा? हाँ, पर पापा, हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसे ठीक से करें तो और टाइम बचा सकते हैं। अच्छा, ये रहे आपके नए टाइम टेबल्स। 5:05, सुबह सुबह जॉगिंग। क्या तुमने कुछ कहा हेनरिएटा?
हाँ, आप भूल रही हैं कि मैं एक लड़की नहीं लड़का हूँ। ना ना, मतलब कि मेरा बैग। ये क्या हेनरिएटा, इसमें तो सिर्फ मेरा कुछ हल्का फुल्का सामान भरा है। तुम तो बड़ी ही नाजुक लड़की हो, फूलों जैसी। बिल्कुल नहीं दादी मार्गरेटा, मैं ना ही नाजुक हूँ और ना ही लड़की। ओ चलो चलें। अरे मेरे लिए रुकिए। क्या बात है प्यारी हेनरिएटा, जल्दी चलो। अरे इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? देखो तो सही, इस चादर के नीचे कौन आया है? कौन आया है? कुछ मदद चाहिए हेनरी? हाँ मदद चाहिए। मैं सवाल पूछ रही हूँ ना सुजन? हाँ मैं सवाल पूछ रही हूँ ना। सॉरी मार्गरेट। कितने रोंदू हो ना तुम हेनरी, इतनी सी चादर में चूहे की तरह फंस गए हो। हाँ चूहे की तरह फंस गए हो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो लूजर हेनरी? हेनरिएटा, ये तुम्हारी अजीबोगरीब दादी माँ ग्रेटा तो नहीं? हाँ, नहीं वो अजीबोगरीब नहीं है। आ जाओ एक केक खाते हैं। अजीब तो जरूर है। दफा हो जाए यहाँ से, समझी? और चलो सुजन, इस पपलू पे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लूजर हेनरी। हाँ, नहीं करना चाहिए। बकवास बंद करो सुजन, तुम भी कुछ कम पपलू नहीं हो। हाँ चली जा। हाँ ये रहे मेरे सैंडविचेस। खाओगी हेनरिएटा? शुरू हो गई। इन सैंडविचेस में क्या है? रेत है, इसीलिए तो इसे सैंडविच कहते हैं। अजीब और गरीब। तुम्हें स्किपिंग तो पसंद है ना हेनरिएटा? ओह तुम्हारी उम्र में मुझे बहुत पसंद थी। चलो भी हेनरिएटा, तुम इससे तेज घुमा सकती हो। चलो और तेज। अच्छा ठीक है रुकिए। सॉरी अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं अपनी अजीबोगरीब दादी के लिए रोप घुमा रहा हूँ। ओह वो कौन है बेटी? अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो तुम मुझे अजीब और गरीब समझते हो ना? नहीं वो। चलो हेनरिएटा अब तुम्हारी बारी। क्या मतलब मैं वहाँ जंप करूँगा? हाँ हाँ फिक्र मत करो, मैं बड़े धीरे से घुमाऊंगी। अच्छा ठीक है फिर। पहले पहले बस। यकीन नहीं होता मैं यहाँ पार्क में स्किपिंग कर रहा हूँ। वहाँ पर देखिए दादी माँ, वहाँ पर एक UFO है। वो क्या था? वो बस एक UFO था। UFO था? ये दादी की अकल आधी हो गई है। हाँ हाँ वो UFO ही तो था, तुमने देखा नहीं? वो कैसे उड़ रहा था? चलो बेटा आज तुम्हारे प्रिंसिपल के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है। उफ, बाय बाय बच्चे। वो चले गए हेनरिएटा, तुम बाहर आ सकती हो अब। हाँ मैं समझ गई कि तुम उस बदतमीज लड़के से बचने की कोशिश में थी। अब चलो फिर से स्किपिंग शुरू करते हैं। वाह ये हुई ना बात, अब थोड़ा तेज करते हैं। चलो It's so easy being me, I'm hard-headed.
चिकन है शायद। अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है और आज ही ने चिकन बनाना था। प्रॉब्लम क्या है बॉयज? चिकन चाहिए। चिकन चाहिए। ठीक है ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। बट हमारे आने तक तुम यही रहोगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा क्यों? चलो कोई नहीं, हमारे वापस आने तक। और याद रहे, किसी को भी इस पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, समझे? और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये कह रहे हो कि हम ऊपर नहीं जा सकते? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लंच टाइम हो गया ना बर्ट, तुम जाकर लंच करके आओ ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जल्दी करो, कितना स्लो खाते हो तुम लोग। हे बर्ट, चिकन मस्त है। एक मिनट रुको, अगर बर्ट लंच करने चला गया है तो फिर क्लाइंबिंग फ्रेम की रखवाली कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ था। ना, 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 ना। इस बार नहीं बचेगी तो। ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है पर्पल हैंड गैंग के सरदार, ये देखिए। क्लाइंबिंग फ्रेम यहाँ है और लड़कियाँ ऊपर से पहरा दे रही हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ। यहाँ पर एक छोटा सा गैप है जहाँ से हम अटैक कर सकते हैं। तो अटैक करते हैं। जहाँ छा है वहाँ रहा है। अरे वो पाइप मुझे वापस कर दो बदमाश कहीं के। भाई ये हुई ना बात। बदबूदार आपकी बॉम्ब्स, चूहे की पॉटी, कॉकरोच के पंख और छिपकली के अंडे से बना हुआ ये। अब तो ये लोग जरूर भागेंगे। वाह, मुझे तो ये आपटी बॉम्ब्स की बदबू बड़ी पसंद है। और तुम्हें इस परफ्यूम की खुशबू के बारे में क्या कहना है हेनरी? हाँ हेनरी। देखो हमारा फ्रेम, हमें वापस कर दो अभी के अभी। पागल मार्गरेट कही थी। कितना मजा आ रहा है, हमें ये फ्रेम बड़ा पसंद है हेनरी, बस जैसे कि हमारे लिए ही बना हो। हमारे लिए। अब हार मान लो हेनरी। कभी नहीं। तो बस आकर देख लो हमारे गैंग के एक मेंबर के पास क्या ढांसू प्लान है दुश्मन को हराने का। चलो पर्पल गैंग के सरदार। ये क्या रेडियो, इससे क्या होगा? तुम डांस करोगे क्या? मैंने कुछ सेटिंग्स किए हैं। 1000 डेसिबल्स का वॉल्यूम, सबवूफर फुल रेंज और वॉल्यूम तो इतना होगा कि पूछो मत। ये कोई मामूली ऐसा वैसा रेडियो नहीं है दोस्तों। तो ये है एक सुपर हाई पावर 1000 डेसिबल वाला सोनिक सिस्टम। क्या फुसफुस कर रहे हो यार? सवाल मत पूछो हेनरी, कमाल देखो, देखते जा। ये हुई ना बात। क्या? ये हुई ना बात। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। So easy being me, I'm home.
एक केला। क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे तो केले पसंद नहीं लेकिन जब केले के छिलके पर से कोई फिसले तो मजा आ जाए। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। क्या इसमें मेरी क्या गलती है अगर इस भोंदू ने सब कुछ गिरा दिया? तुम दोनों इसकी सफाई करोगे, समझे? ये वाला लंच बॉक्स, ये वाटर बॉटल, ओह इसमें तो सब काम की चीजें हैं। अपने रूम की हालत तो देखो हेनरी। क्यों, क्या हुआ? चारों तरफ कचरा पड़ा है, जल्दी साफ करो इसे। एक्चुअली सही कहा, ये तो अब सिर्फ कचरा ही है। वक्त आ गया है सारे नए सामान के लिए जगह बनाने का। आपके नए जूते हैं राजा हेनरी। आपका नया पिचको पिचकारी सुपर 500 राजा हेनरी। और ये आपकी नई नौकरानी राजा हेनरी। ये सब तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं दान करने में विश्वास रखता हूँ। थैंक्स हेनरी, पर तुम्हें ये सब सच में नहीं चाहिए? नहीं, लखपति बनने के बाद तो मेरे पास सिर्फ नए खिलौने होंगे और वो भी हर रोज। पर तुम लखपति नहीं हो हेनरी। हाँ पता है, पर बनूंगा एक दिन मेरे इस लकी। हाँ? नहीं, मैंने घुमा दिया। क्या? मेरा लकी लॉटरी का लकी वाला टिकट कहाँ चला गया? कहाँ जा सकता है? तुम्हारे पॉकेट में तो नहीं? नहीं चूजे, पॉकेट में नहीं है। मिस लवली हमेशा कहती है, सोचो कि तुम कहाँ थे जब तुमने उसे आखिरी बार देखा। मुझे मिस लवली की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? मैं सिर्फ मेरा वो लकी वाला लकी टिकट ढूंढना चाहता हूँ जो मुझे लखपति बना देगा। ओ अच्छा, तो जब आखिरी बार देखा था तब तुम कहाँ थे? मुझे 1,00,000 में कितने चीज बर्गर्स मिलेंगे? गाड़ी में। क्या यार, यहाँ नहीं है। यहाँ भी नहीं है। अब जाने दो हेनरी, मुझे मेरे हैप्पी हिप्पोस पजल में मदद करो। मैं ऐसा घटिया काम क्यों करूंगा? ताकि तुम्हारा ध्यान उस बात से हट जाए कि तुम्हारा लकी लॉटरी टिकट खो गया। थैंक्स आकीड़े, तूने अभी मुझे याद दिलाया मेरे खोए हुए लकी लॉटरी के लकी वाले टिकट के बारे में। सॉरी हेनरी। और तुमने ये भी याद दिलाया कि अब मैं कभी भी लखपति नहीं बन सकता क्योंकि मेरा टिकट। जानता हूँ हेनरी, तुम्हारा टिकट खो गया। सोचो हेनरी, तुम इतने सारे पैसों से क्या क्या कर सकते हो। वाओ। और इसी के साथ परफेक्ट पीटर का स्विमिंग पूल ओपन होता है। ये! तुम भी जीतना चाहते हो तो टिकट ढूंढने में मेरी मदद करो। नो थैंक्स, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। सोचो तो, 1,00,000 रुपए। मुझे क्या मिलेगा अगर मैंने वो टिकट ढूंढ दिया तो? मेरे प्यारे और दानवीर भाई होने के लिए 1 पूरा रुपया। 1 रुपया? ठीक है, 2। 2 रुपए? चल ठीक है, 3 ले ले, बस लास्ट ऑफर। हाँ चलो जल्दी करते हैं, वो लकी लॉटरी का लकी वाला प्राइस 10 मिनट में अनाउंस होगा। क्या? हाँ, हर रोज सेम टाइम पे होता है। बताएंगे आपको कि कौन जीतेगा हमारे लकी लॉटरी का लकी कुछ मिला क्या पीटर? नहीं, पर अभी भी 5 मिनट बचे हैं। अरे अब क्या? It's so easy being me, I'm Hard Henry.
स्नैप। जाओ पीटर, मैंने तुम्हें बच्चा समझकर ये पॉइंट दे दिया, खुश हो जाओ। ओह थैंक यू हेनरी, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। सोने का वक्त हो गया। वाओ, हम आज जल्दी सो रहे हैं। हाँ हेनरी, सोने से पहले हॉट चॉकलेट पीना चाहोगे? ओह नहीं मम्मी, थैंक यू, मैं दांत ब्रश कर चुका हूँ। चलो हेनरी, अपने अपने रूम तक रेस लगा। हाँ, चलो। बदमाश। वो आवाज तुमने सुनी हेनरी? तुम्हारे टेंट में कोई है हेनरी? सही कह रहे हो पीटर, सही पकड़ा। कौन हो सकता है? अभी जाकर पता लगाता हूँ। तुम कितने बहादुर हो हेनरी, मैं भी तुम्हारे साथ आता अगर मुझे डर नहीं लगता। चिंता मत करो मेरे छोटे से भाई, तुम यहीं रुको, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। हेलो, फ्लफी तुम थी? वाओ, असली वाले एलियंस। हाय, मैं हेनरी हूँ। आपका स्पेसशिप बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ? मैं तो सिर्फ नाक साफ कर रहा था। नहीं नहीं, रुक जाओ। मेरे छोटे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? रुको रुको। बोलो बोलो हेनरी, आगे क्या होता है? हाँ, तो जैसा कि आप समझ चुकी होंगी कि मुझे मेरे छोटे भाई की कितनी चिंता थी। अच्छा हेनरी, सच में चिंता थी तुम्हें अपने भाई की, या तुम बिजी हो गए थे दुनिया के सामने इंटरव्यू देने में? नहीं, मुझे तो बस पीटर के साथ बिताए सारे दिन याद आ रहे थे। तो हेनरी मुझे बताओ, इस सब का तुम्हारे होमवर्क से क्या मतलब है? पीटर तुम ठीक तो हो ना? सब चुप हो जाओ, याद है ना हमने क्या तय किया था? अपना पार्टनर ढूंढो और लाइन में खड़े हो जाओ। अब डांस। वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत अच्छे डांसर्स हो। So easy being me, I'm hard-headed.
चलो हेनरी अपनी सब्जियाँ खाओ। क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं है। आप बड़े लोग जो चाहे खा सकते हैं और हमें खाना पड़ता है ये सब। पर मुझे तो ये पसंद है। तुमसे किसी ने पूछा ले लो। एक जोर का थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सब्जी और डांट दोनों खाओ। हेलो और स्वागत है साइंस प्रोग्राम में। आज मैं आपको दिखाऊंगा साइंस के चमत्कार। ओ प्लीज प्लीज, क्या हम चैनल बदल सकते हैं? मैं चला सपनों की दुनिया में खोने के लिए। चलो हेनरी, तुम्हें भी अब सोना चाहिए। अरे क्या है ये, मैं इस लल्लू जैसे इतनी जल्दी सोने नहीं जा सकता। ऐसा कौन कहता है? मैं कहता हूँ, और कौन? पर उससे क्या फर्क पड़ता है ना, मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ। मम्मी पापा को पता नहीं कि कंप्यूटर पे भी मैं अपना प्रोग्राम देख सकता हूँ। उसे ये समझ आ गया कि वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक वो अपनी जगह ना बदल ले उन लोगों से जो। उठो, जल्दी उठो हेनरी। लेकिन हुआ क्या? मुझे मेरे ब्राउन शूज नहीं मिल रहे हैं और मेरा फेवरेट टूथब्रश और मेरा रिपोर्ट कार्ड भी। क्या? तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हें ही तो पता होगा कि वो कहाँ है, और मैंने किचन के फ्लोर पर बिस्किट्स भी गिरा दिए हैं। तो जाकर साफ क्यों नहीं करते? मैं क्यों करूं? तुम बड़े हो, तुम करो। मैं बड़ा हूँ? अब मैं क्या करूं? जाकर मेरा नाश्ता लाओ, अभी इसी वक्त। ठीक है। धीरे खाओ, सब कुछ गंदा कर रहे हो आप। क्या मुझे आज ऑफिस जाना होगा? हाँ, आज भी ऑफिस जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पैसे कैसे कमाओगे और मेरे लिए टॉयज कैसे लाओगे? चलो लल्लू आ गया, शायद वो बता सके ये हो क्या रहा है। गुड मॉर्निंग पापा। सुबह सुबह आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं पापा? पीटर? हाँ हेनरी। तुम्हें नहीं लगता कि आज कुछ गड़बड़ है? नहीं। ओह हाँ, मामा अभी तक उठी नहीं है और उन्हें ऑफिस के लिए निकलना है यही कुछ 3 मिनट में। क्या? मैं अभी उन्हें उठाता हूँ। इतना आसान नहीं है हेनरी। उठने का टाइम हो गया। मम्मी उठने का टाइम हो गया। लगता है इतनी आसानी से नहीं मानेगी ये। आओ। तो आखिर जूते मिल ही गए? हाँ, डस्टबिन में पड़े थे। पता था। जरा मेरी टाई बांध दोगे? मुझे भी तो स्कूल के लिए तैयार होना है। कम ऑन, टाइम थोड़ी लगेगा। और तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकता, अगर तुमने नहीं किया ना तो मैं चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स हेनरी। हैं? मैंने नाश्ता नहीं बनाया। पता है, पर फिर भी थैंक्स। हो गया। ओह थैंक्स हेनरी। ओह अपना सामान उठाइए पापा, नहीं तो फिर गिर जाओगे आप। नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं। ओह फिर तो मुझे ही करना होगा आपके लिए। ओए कहाँ चले जा रहे हो? स्कूल। और कहाँ? मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम? ओह इन दोनों का तैयार होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं स्कूल के लिए लेट नहीं हो सकता, तुम्हें तो पता है। बाय। भाग कीड़े। थैंक्स, अब मैं ऑफिस जा सकता हूँ। पक्का ना पापा? हाँ, वैसे मैं जाना तो नहीं चाहता क्योंकि मेरा बॉस मुझे बहुत डांटता है और कैंटीन में मेरा नंबर आखिर में आता है और फिर काम भी इतना ज्यादा होता है ऑफिस में, दोपहर को सोने को भी नहीं मिलता। पता है कितने बुरे हैं ना सब, पर जाना तो पड़ेगा ही, शाम को मिलते हैं। मुझे भूख लगी है। मम्मी आप ऑफिस लेट नहीं जा सकती। मुझे क्या, मुझे तो भूख लगी है। ठीक है नाश्ता देता हूँ। और उसके बाद चूहे ने बिल्ली से कहा, ओ मिस बैटल एक्स, मुझे लगा आज मैं आपकी क्लास को स्टोरी सुना रही हूँ। हाँ,
थैंक यू मिस लवली, मैं अपनी क्लास को कुछ बताने आई हूँ। मैं जा रही हूँ और शायद कुछ दिन वापस ना आऊँ। मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। छुट्टी मनाने मिस बैटलैग्स? हाँ विलियम, छुट्टी मनाने। हम आपको मिस करेंगे मिस बैटलैग्स, है ना दोस्तों? थैंक यू विलियम। वैसे मैं ये बता दूँ कि मैं किसी को मिस नहीं करूँगी। बोलो हेनरी। अब छुट्टी पर है तो क्या हमें भी छुट्टी मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारी दूसरी टीचर कल सुबह सुबह आ जाएगी। ओके, ठीक है फिर, थैंक यू। हाँ हाँ, पता है घर जाने का टाइम हो गया, पर मिस बैटलैक्स की जगह कोई दूसरी टीचर तो ढूंढनी होगी ना। मिस्टर शर्मा, शायद वो आने के लिए मान जाए, कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ मिस्टर शर्मा, मैं मिस ऑडबॉट बोल रही हूँ, याद है ना आपको? क्या आप इसका मतलब शायद ना है। लगता है कोई ट्रेनी ढूंढनी पड़ेगी, पर देखें जरा इस लिस्ट में कौन है। ओह, इसे फोन करके देखते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड प्यारी किटी कैट। तो मिस रैंसिड, थैंक यू सो मच, आप एक बार में आने के लिए तैयार हो गई। आइए आपको आपकी क्लास दिखा दूं। हाँ रहने दीजिए, मुझे पता है। ये रैंसिड रेबेका है। तो हेनरी, कैसे हो चूजे? हेलो मिस रेबेका, तुम्हें इससे मिलकर खुशी होगी, ये है आर्ची, मेरा पेट स्पाइडर। मुझे सच में बहुत खुशी हुई हेनरी। पर बार नहीं हेनरी, बैठ जाओ। कोई और है जो कुछ कहना चाहता हो मुझसे? नहीं नहीं। क्या नहीं? नहीं मिस। मिस रैंसिड। नहीं मिस रैंसिड। लल्लू कहाँ जा रहे हो तुम? तुम मैं जाओ, तुम जाओ, तुम तुम और तुम जाओ, अब जाओ जाओ। वहाँ नीचे क्या कर रहे हो हेनरी? जमीन साफ कर रहा हूँ, दिखता नहीं क्या लूजर? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा हेनरी, ये देख के शायद तुम्हारी न्यू टीचर तुमसे खुश हो जाएगी। बकवास करना बंद करो कीड़े कहीं के। अच्छा तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं चलो अपने रास्ते, बाय। ला 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 ला। इस बारे में क्या करने वाले हो? किस बारे में? तुम्हारी पुरानी बेबी सिटर है ना? वही जो अब हमारी टीचर है। हाँ है, पर मैं क्यों कुछ करूं? क्योंकि क्या? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण मिस बैटलैक्स छुट्टी पर चली गई और हम रह गए अकेले उस राक्षस के साथ। अच्छा तो इसमें मेरी क्या गलती है कि रेबेका को अब स्पाइडर से डर नहीं लगता? मुझे लगा था डर जाएगी। तो नहीं डरी है ना? तो अब जल्द से जल्द सोचो कि उसे कैसे भगाना है, नहीं तो क्या? नहीं तो वो भी तुम्हारी ही गलती होगी। Thank you.
क्या मैं ऊबर जीनियस से बात कर रहा हूँ जिसने ऊबर होमवर्क ऐप बनाया है? हाँ बिल्कुल सही, काम कैसा चल रहा है ऊबर ब्रांड? बढ़िया से भी बहुत बढ़िया चल रहा है, हमें काम की ढेर सारी बुकिंग्स मिल रही हैं, बल्कि अभी तुम्हारे पास बस कुछ ही देर में पैकेज पहुँचते ही होंगे, बस अभी। कोई बात नहीं मॉम, मैं खोलता हूँ। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है ना हेनरी? हाँ सब कुछ ठीक है मॉम। और पीटर तो ठीक है ना, क्योंकि आज उसे बहुत सारा होमवर्क मिला है? हाँ वो भी ठीक है, मैं उसी की मदद करने जा रहा हूँ। आह कितनी प्यारी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम दोनों मिलजुल कर काम करते हो। मुझे भी। तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, पार्सल में कम से कम 20 होमवर्क की बुकिंग मिली है। ओह हाँ, अभी तो और भी आएंगे। क्या आज रात? ओह हाँ, और हमें सब की तरफ से 5 स्टार्स मिल रहे हैं। बढ़िया। रुको, उन्हें अभी तक अपने होमवर्क नहीं मिले। पता है उन्हें नहीं मिल रहा है, पर हमारे ऐप का बोल पाल रहा है हेनरी। कल मिलते हैं। क्या अभी सब कुछ ठीक है हेनरी? ओह हाँ सब ठीक है, चिंता मत करो मॉम। काम कैसा चल रहा है कीड़े? मेरा मतलब काम कैसा चल रहा है हैप्पी होमवर्क हेल्पर? वैसे मैंने इतना काम कर लिया है, बस ये वाले बचे हैं। और ये भी। ओह नहीं, वो तो मैं कल ही करूँगा। यानी आज रात पीटर? नहीं मतलब कल ही करूँगा, मेरा सोना भी जरूरी है। नहीं मतलब आज रात। ओह नहीं मैं। ओह शायद मैंने तुम्हें डेडलाइन के बारे में नहीं बताया था। कौन सी डेडलाइन? सबसे ज्यादा गर्ल स्टार्स कमाने की डेडलाइन। ओह वो वाला। नहीं तुमने मुझे नहीं बताया था हेनरी। ओह शायद भूल गया, वैसे एक डेडलाइन है आज आधी रात तक। क्या आज आधी रात तक? हाँ आज आधी रात तक, वरना। वरना क्या हेनरी? वरना सारे गोल्ड स्टार्स भूल जाओ। चल रहा है कीड़े, होमवर्क क्यों नहीं कर रहा? कितने बजे हैं हेनरी? तेरा होमवर्क करने का समय हो गया है कीड़े। मुझे कीड़ा मत कहो, लगभग आधी रात हो चुकी है। हाँ तेरा काम खत्म करने का समय। यहाँ पर चल क्या रहा है हेनरी? मैं उड़ गया क्योंकि पीटर के कमरे की लाइट चालू थी। ओ बेचारा मेरा बच्चा, देर रात तक काम कर रहा होगा। शायद। हाँ। तुम क्या कर रहे हो हेनरी? मैंने सोचा इन्हें यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि जब वो सोकर उठेगा तो वो होमवर्क की चिंता नहीं करेगा। ठीक किया ना? कभी कभी ना हेनरी। कभी कभी क्या मॉम? कभी कभी हेनरी मुझे लगता है कि तुम। हाँ हाँ पता है, थप्पड़ खाने वाले काम करता हूँ। मैं तो कहने वाली थी कि बहुत प्यारे हो। अब क्या करूँगा, अभी तो आधी रात हुई है, किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता, हमारी 5 स्टार रेटिंग चली जाएगी, ये तो बहुत बुरा होगा। फैंग, तुम मदद करना चाहोगे क्या? हाँ, अब एक ही रास्ता बचा है। शुक्र है होमवर्क हेल्प एल्फ के लिए, आज की रात बहुत लंबी होगी। कुछ नहीं का स्क्वायर रूट कुछ तो होगा, तो बताओ तुम्हें स्क्वायर रूट कहाँ से मिलेगा? कहाँ से लाते हैं ये सब सवाल? और
मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें पगले लड़के, जाओ यहाँ से। बड़ी देर तक डिटेंशन में थे, मुझे लगा था ब्रेक होने तक आ जाओगे। हाँ, क्योंकि आज मेरा लकी डे नहीं है। ये क्या है? ये हमारी लकी चीजें हैं, हमने इकट्ठा की हैं। अपने लिए एक चुन लो हेनरी। अरे नहीं, मैं तुम्हारी लकी चीजें नहीं ले सकता। चलो भी हेनरी, मैं तुम्हारे लिए लंच ले आता हूँ। खुश हो जाओ हेनरी, जैसे माँ हमेशा कहती है कि आदमी अपने कर्मों से लकी बनता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों? ये तो स्ट्यू है। हर रोज यही तो खाते हैं हेनरी। हाँ, पर एक स्ट्यू होता है और एक मस्ट स्ट्यू होता है, और ये स्ट्यू है। ओए गधे लाल, अब क्या है सड़ीली मार्गरेट? ओ हीरो हीरा लाल, नपचिड़े कहीं के। मैंने सुना तुम्हारी लकी चीज खो गई। हाँ खो गई। वैसे ये तो बहुत बुरा हुआ है ना? हाँ अनलकी। तुम अनलकी हो, अनलकी अनलकी अनलकी। लड़कियाँ भी ना। हाँ। ऐसा क्यों? तुम आ रहे हो ना हेनरी? हाँ, पता नहीं और आज कितना लकी होऊंगा मैं। ऐसा क्यों? उसे साफ करो तुम पगले लड़के। और इसलिए पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर राजा से कहा, अगर तुमने मुझे टमाटर की लहर पार करने में मदद की तो मैं तुम्हारी मदद आलसी गोभी को उठाने में करूँगी। और क्यूकम्बर राजा ने कहा, तूने मुझे क्यों मारा? हेनरी, मुझे बाद में मिलना। जी मिस लवली। तो फिर पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर अनलकी हेनरी। हाँ अनलकी हेनरी। तो फिर हम दुखदाई बीन्स का क्या करेंगे? बहुत खूब, ये तो मेरी सबसे पसंदीदा प्यारी कहानियों में से एक है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 300 प्यारे शब्दों में लिखकर बताओ कि उन्हें प्यारी दुखदाई बीन्स के साथ क्या करना चाहिए। दुखदाई का मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों? पर मैं तो उन बीन्स को जरा भी पसंद न करूं। अच्छा दोस्तों, मुझे शुभकामनाएं दो। गुड लक हेनरी। अनलकी हेनरी। हाँ अनलकी हेनरी। आज सुबह जो हुआ हेनरी? हाँ माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर कॉफी गिरा दी मिस लवली। ओह उसकी चिंता मत करो हेनरी, मुझे एक प्यारा ड्राई क्लीनर वाला पता है जो कॉफी के दाग निकालने में माहिर है। ओह अच्छा, तो माफ कर दीजिए मैंने आपकी कहानी में डिस्टर्ब किया। ओह उस बात की चिंता मत करो हेनरी, मैंने देखा कि मार्केट तुम्हारे ऊपर चीजें फेंक रही थी और मैं बाद में उसे प्यारी सी डांट लगाऊंगी। ओह अच्छा, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि तुमने अपनी लकी चीज खो दी। ओह हाँ, आपको कैसे पता चला? ओह हम टीचरों को सब कुछ पता चल जाता है। ओह ठीक है फिर, पीटर ने मुझे बताया, उसने कहा तुम बहुत अपसेट हो, कह रहा था तुम्हारा जीवन अब खत्म हो गया है। हाँ शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रामा कर दिया। अरे नहीं, एक लकी चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारी चीज होती है, और उसे खो देना प्यारी बात नहीं है। हाँ वो तो है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है ना प्यारी? हाँ बहुत लवली है मिस लवली। ये तुम्हारे लिए है हेनरी। मेरे लिए? हाँ ये तुम्हारी नई लकी चीज है। ओह हाँ सही कहा, थैंक यू मिस लवली। शायद से खुशी हुई हेनरी। अब जाओ मेरे लिए 50 शब्दों में अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम के बारे में लिखकर दिखाओ। थैंक यू मिस लवली। मार्गरेट मिलिसेंट मोडिटा स्माइथ। यस। मुझे आकर मिलो इसी वक्त। हाँ, ये तो होना ही था। ये तो बड़ा लकी था। बिल्कुल। ये भी बड़ा लकी था। शायद। हे बॉयज, मैं क्रिकेट कॉर्नर ढूंढ रही हूँ। ओह हाँ, वो लगभग वहाँ पर है, और घूम कर जाकर आगे जाना होगा।
और एक बार फिर से घूमना होगा, फिर सीधे सीधे जाना, ओके? हे बॉयज, बहुत खूब, मैं लकी हूँ जो तुम मिले। चुप रहने का टाइम हो गया है हेनरी, और तुम ये जानते हो। नहीं नहीं जानता, और चुप रहने का टाइम क्या होता है? चुप रहने का टाइम तब होता है जब हम लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, समझे? हम दोनों भाई कैसे हो सकते हैं? क्या मैं शांति से टीवी नहीं देख सकता? क्रॉस क्लास जीरो में शांति कहाँ है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं कुछ और देख सकता हूँ, कुछ एजुकेशनल, जैसे Good for your greens? वैसे मैं एक दिन एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें लिखा था तुम्हारे लिए टीवी देखना इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, 247 नंबर चैनल लगा लो। थैंक्स कीड़े। जब हम धनिया के बारे में सोचते हैं तो केवल धनिया के बारे में नहीं सोचते हैं, हम मिर्ची, अदरक और कड़ी पत्ते के बारे में भी सोचते हैं। वाह क्या शो है। अगली बार से ऐसा नहीं करने दूंगा हेनरी। ठीक है मैं कम आवाज में सुनूंगा। हेनरी तुम्हारा पैर मेरी तरफ है। तेरा मतलब क्या है तेरी तरफ? तुम इस सोफे पर मेरी साइड पर आ गए हो। नहीं नहीं आया, मैं अभी अपनी साइड में हूँ। और अगर तुमने बटर और हनी का सही कॉम्बिनेशन यूज किया तो खाने में मजा आने से। क्या हुआ राजा बेटा? राजा बेटा, हेनरी सोफे पर मेरी तरफ आ जाता है। हेनरी, हेनरी। सॉरी मॉम, मैं सोच रहा था मटर और हनी को मिक्स करके क्या बनता है। क्या कहा? मॉम। सॉरी पीटर, इस कपड़े को बीच में रखकर सोफा आधा आधा बांट देते हैं, ठीक है? और अब तुम दोनों को अपनी अपनी साइंस पता है। ओह थैंक्स मॉम। तो मेरी सलाह ये है कि इतना मत खाना जिसे मुश्किल हो जाए पचाना। हेनरी। ओह हाँ थैंक्स मॉम। फ्लफी। हेनरी ये तेरी बिल्ली है। ये मेरी बिल्ली नहीं है। है। नहीं है। है। हेनरी मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। हेनरी बस मजाक कर रहा था। हेनरी कर दी कीड़े। कौन सी लाइन? और मुझे कीड़ा मत बुलाओ। यहाँ है लाइन और तूने उसे क्रॉस कर दी। ये लो, अब ठीक है? हाँ, आगे से लाइन क्रॉस मत करना। ओह ठीक है हेनरी, तो तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? गुड मॉर्निंग आगने का टाइम हो गया है, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेनरी। गुड मॉर्निंग कीड़े। इतनी भी जल्दी नहीं हेनरी, तुम बाथरूम में मेरी साइड पर खड़े हो। तो फिर मैं टॉयलेट कैसे जाऊंगा? ओह फिर तो तुम नहीं जा पाओगे। तेरा मतलब क्या है नहीं जा पाऊंगा? वो क्या है ना, ये मेरी तरफ है तो तुम नहीं जा पाओगे। पर मेरा टूथब्रश तेरी साइड पर है। ओह हाँ ये भी यहाँ है। पर क्या हेनरी? पर मैं अपना टूथब्रश कैसे लूंगा? तो एक काम करो, इसे तीन बार लिख कर दो। किसको दूँ?
एसोसिएट जनरल को जो मैं हूँ, फिर इसे ग्रैंड मास्टर जनरल को दूंगा, वो भी मैं हूँ, और वो तुम्हारी रिक्वेस्ट चेक करेंगे। और उसको कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। 3 दिन? और अगर टॉयलेट जाना हुआ तो? मजाक कर रहे हो है ना? बच्चे ना ही देखे तो अच्छा है। मुझे देर हो गई बारिश की वजह से। ओ, क्या ये फैंसी ड्रेस है? हाँ? मैं जादूगर मैरी हूँ। सच में? वैसे मुझे तुम्हारा ये ड्रेस पसंद आया। क्या तुम हमें जादू दिखाने आए हो पीटर? तुम्हें क्या लगता है? ऐसा क्यों? मुझे थोड़ा बहुत जादू अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं मुझे जादू अच्छा लगता है या नहीं, कैसे बताऊं? ये गाजर का जादू है, अभी तुम्हें दिख रही है, अब नहीं दिखेगी। मुझे नहीं लगता वो इस तरह की जादू की बात कर रहा है। तुम कुछ कह रहे थे हेनरी? मैं क्या कह रहा था? तुम पीटर से कोई डरावनी बात कहने वाले थे। सच में? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। मेरे पास आकर बैठो पीटर। चलो तुम ओल्ड बुगी ब्रेन को लूटने में हमारी मदद कर सकते हो। बिस्किट खाओगे पीटर? क्या मैं एक बार देखूं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत ही खास जादुई छड़ी है। कुछ नहीं होगा, मैं जादू की छड़ी इस्तेमाल करना जानता हूँ। सभी जादू की छड़ियाँ खास होती हैं। मेरे डैड जादूगर थे। लेकिन तुमने कहा था कि वो म्यूजिशियन थे। म्यूजिशियन हो या म्यूजिशियन, सब एक जैसे होते हैं। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया मिस्टर सॉगिंगटन। ये अच्छा था मिस्टर रैल्फ। हे, अंदर चलने से पहले एक छोटा सा गेम हो जाए। चलो फिर चलते हैं, पर जल्दी मिलेंगे। हेनरी, अंदर आ जाओ, हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ तो बच्चों, हम किस बारे में बात कर रहे थे? प्लीज मिस, हम बात कर रहे थे कि लड़कियां लड़कों से बेटर होती है या नहीं। अरे हाँ, इसी बारे में। और क्या हम किसी नतीजे पर पहुँचे थे? हम इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद कुछ चीजों में लड़के अच्छे होते हैं और कुछ में लड़कियाँ। मार्गरेट, मुझे खुशी हुई कि तुमने अपना हाथ ऊपर उठाया, पर देखते हैं हेनरी का क्या कहना है। जरूर मिस बैटलैक्स। बट तुम्हारा क्या कहना है? वैसे अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं ये कहूँगा कि जो डिपेंड करता है उस पर कि आप हर चीज को किस तरह से देखते हो। सही कहा ना? बहुत अच्छे बर्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ तुमने एकदम ठीक कहा। आप लोग क्या सोचते हो? तुमने बिंदास बात कही है, अब मुझे बहुत पसंद आई और मैं फिर से सुनना चाहूंगी। देखा, सबको अच्छा लगा। मिस बैटलैक्स, मैं तो बुद्धू हूँ, मैं दरअसल बर्ड की बातों में थोड़ी सी डूब गई थी। बहुत उम्दा बर्ड, तुमने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा है। लो, लंच टाइम हो गया, चलो अब सब जाओ, खाना अच्छे से खाना और जल्दी लौट कर मत आना। मैं सच में तुम्हारी बात सुनना चाहूंगी हेनरी। टेंशन मत लो मार्गरेट, मुझे जो कहना है उसके लिए बहुत वक्त है। हाँ हेनरी, काफी वक्त है। उसके पीछे टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं मार्गरेट, वो मेरा है। हेनरी, सुना तुमने? हाँ मैंने सुना। तुम दोनों जल्दी करो, अगर हमने लंच जल्दी कर लिया तो हमें एक गेम खेलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आज थ्री वेज थर्सडे है। हाँ, और इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते। एकदम सही। प्लेट भर दो। आपको पता है ना मुझे थ्री वेज थर्सडे कितना पसंद है।
स्टू नहीं है आज। मैं तो मजाक कर रही थी हेनरी, मैंने सोचा पूरी प्लेट भर कर दे देती हूँ। मजाक या लाजवाब, आप तो कमाल की हो। ठीक है हेनरी, अब क्यूट बनना बंद करो और खाना शुरू करो। ठीक है शुक्रिया, मैं पुरानी लेकर आता हूँ। पुरानी क्या डैड? तुम यहाँ क्या कर रहे हो हेनरी? आपने कहा था मैं घर रुक सकता हूँ। मैंने कहा था? हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है तो अपने कमरे में जाओ। लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए हेनरी। लेकिन मुझे भूख लगी है, आप दरवाजा खोलेंगे? हाँ, बस अपनी मॉम से मत कहना। नहीं कहूँगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? किस तरफ रखना है ये? मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहा? इस तरफ? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? माफ कीजिए, मैं अभी कुछ समझा नहीं, मैं वो इस तरफ ले आइए। ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। हमने एक नया टीवी खरीदा, यकीन नहीं होता डैड ने ये किया। आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। नहीं, रहने दो, डिलीवरी बॉय ने कहा है कि इसको लगाना बहुत ही आसान है। हाँ, वो हमेशा वही कहते हैं। शुक्रिया हेनरी। वैसे जरूरत पड़ी तो बुला लेना। ठीक है। नहीं बुलाएंगे, वो हमेशा सोचते वो खुद कर लेंगे, जब तक नहीं कर पाते। ये कॉबल गास्टर्स बहुत अच्छे हैं फैंक। अब तक टीवी की आवाज नहीं आई, चल फैंक जाके देखते हैं। अभी हेल्प नहीं चाहिए डैड? नहीं शुक्रिया हेनरी, मैं कर लूंगा। अब हेल्प चाहिए डैड? लेकिन ये काम मुश्किल ही कितना है? बहुत मुश्किल है अगर आपको चाइनीज पढ़नी नहीं आती हो। ओह, ये वाली जापनीज है, ये फ्रेंच है, स्पैनिश है और पोलिश। मुझे इनमें से एक भी भाषा नहीं आती, अब मैं क्या करूँगा? ये काम मुझ पर छोड़ दो। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? टीवी को बॉक्स में से निकाल दीजिए। हाँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। ओ, ओ, शुक्रिया। वाव, ये तो बहुत बड़ा टीवी है। बहुत ही बड़ा है। सॉरी डैड। ये एक टाइटैनिक टीवी है। क्या तुम्हारी मॉम को समझ में आएगा? वैसे उसको पता चला तो मेरी शामत आ जाएगी। नहीं, मॉम को नहीं पता चलेगा, मॉम को पता चल जाएगा। हाँ, उसको पता चलने वाला है। पर इसमें ग्रोस क्लास जीरो के 100 चैनल्स है। हाँ पता है, इसीलिए तो खरीदा है। कूल। लौटाने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब आप वापस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन पहले इसे सेटअप करते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मिल गया बैंक। हाँ, हाँ, हाँ। ये काम तो चूहा भी कर लेगा। आप जाकर अपने लिए चाय क्यों नहीं बना लेते? मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ। नहीं आप नहीं हो, आप चाय अच्छे बना लेते हो। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ। क्या तुम्हें यकीन है तुम ये काम कर लोगे? मतलब इतनी सारी केबल्स के बीच शायद मुझे हम तुम कर लेंगे, आप चाहिए। पेरेंट्स हाँ, इनको कौन समझा पाए? मैं इस बॉक्स को रिसाइकलिंग के लिए बाहर ले जाता हूँ, बस ध्यान रखना मॉम को ना पता चले। शुरू करें। हाँ। अब बस रिमोट चाहिए। बहुत अच्छे फैंक। तो सब हो गया हेनरी? हाँ, सिर्फ क्या रिमोट काम नहीं कर रहा? मैं जानता था टीवी खरीद कर गलती कर दी। हो सकता है रिमोट में बैटरीज ना हो। बैटरीज
इन्होंने हमें बताया क्यों नहीं कि बैटरी की जरूरत पड़ेगी? मुझे पता नहीं है कि बैटरीज कहाँ मिलेंगी। ओह, अब मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम नहीं देख पाऊंगा। अगर टीवी ऑन नहीं हुआ तो हम इतने सारे चैनल्स का क्या अचार डालेंगे? शांत हो जाइए डैड, मेरे पास बैटरीज है। क्या तुम्हारे पास बैटरीज है? यकीन नहीं होता, तुम्हारे पास बैटरीज है, मेरे पास नहीं। आप चाय लेकर आइए, मैं बैटरीज लेके आता हूँ। मुझे पता है वो दोनों कुछ कान करने में लगे हैं। मार्गरेट, ओ मेरे बेटा, आखिर क्या चाहिए आपको? हमें लगा तुम नाश्ता करना चाहोगी प्रिंसेस। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप देख नहीं सकते कि मैं बिजी हूँ। ओह ठीक है प्रिंसेस, बाद में मिलते हैं बेटा। मैंने कहा था कि मुझे उस नाम से मत बुलाइएगा। ओह सॉरी प्रिंसेस, ठीक है मैं चलता हूँ बेटा। मुझे बस मार्गरेट कहिए। जी ठीक है मार्गरेट बेटा। पकड़े गए। मेरा सारी रात जागना बेकार नहीं गया। ये दोनों कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। कौन दोनों कुछ कर रहे हैं? ओ, कुछ नहीं, मतलब कोई नहीं। दिलचस्प बात है। बताओ क्या दिलचस्प है? ओ, कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं। क्या आपको पजल खेलने में मदद चाहिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने सच में बना दिया। अंत में इसे बनाना उतना भी मुश्किल नहीं था, मुझे बस बहुत से न्यूडल प्लग इकट्ठा करने पड़े और डैड को कुछ वायर देने के लिए मना लिया। मैं इंप्रेस हो जाऊंगा अगर ये काम कर रहा होगा। ये तो गिज़्मो की तरह दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? गोल्ड तो नहीं, अगर सबके पास गोल्ड होगा तो मेरा वाला स्पेशल नहीं होगा। ठीक है फिर नीले रंग का बना देते हैं। तो कितना कूल। हाँ, इतना तमाशा एक नीले खिलौने के लिए। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। अपने साइड के फेंस पर इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? मैं दूसरे के घर घुसने के लिए तुम पर केस ठोक सकती हूँ। देखो, मैं किसी पुरानी सड़ी सी मशीन को क्यों देखना चाहूंगी? तुम तो उन लड़कों जैसे ही बुरे हो, एक खिलौने बनाने की मशीन को लेकर इतने पागल हो रहे हो। पर यही तो बात है, ये केवल एक खिलौना बनाने वाली मशीन नहीं है। 3D नोवो फैंगल प्रिंटर एक डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशन वाले सॉलिड चीजें बनाता है। नहीं, अब भी समझ नहीं आया? तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। अच्छा मच्छल, ये एक फोटोकॉपियर जैसा है जो असली चीजों की कॉपी बनाता है। ओके, अब समझ आया, ये कूल है। कूल नहीं, बहुत कूल। तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे ये हेनरी के बेड के नीचे से मिला, वो इसे रोज रात में पढ़ता है। अच्छा ऐसा क्या? पता नहीं वो इतने सारे खिलौने के साथ आखिर करेगा क्या। किसे परवाह है, जरा ये सोचो कि तुम इस 3D प्रिंटर से क्या क्या बना सकती हो। जैसे? ओह, फेरी केक और जानवरों के चैरिटी के लिए पैसे और बहुत से गड्ढे और ओह, मैं समझ गई। फ्रॉग और ताज और बढ़िया से जूते और वैसे भी मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे थैंक यू पीटर, हम ये बात अपने तक ही रखेंगे, ठीक है ना? ओह, इतने सारे पूडल डॉग्स, सब मेरे होंगे। यकीन नहीं होता तुमने एक रात में सब बना दिया। हाँ, और ब्रांड को लगता है वो प्रिंटर को और फास्ट कर सकता है। क्या मुझे ये 3 जेम्स की गोलियों के बदले ये खिलौना मिलेगा? 5 दे दो और खिलौना ले लो। ठीक है। मुझे लगा हम सिर्फ कैश ले रहे हैं। अदला बदली का जमाना है हेनरी, हमें जो मिलता है रख लेंगे, सिंपल है। ओके कूल। बस अब इनके बाद ब्लू वाले खिलौने मत बनाना। क्यों नहीं? जितने कम उसकी कीमत ज्यादा। क्या कहा? मार्केट में एक जैसी बहुत सारी चीजें नहीं होती, नहीं तो कीमत कम हो जाती है। तुझे ये सब कैसे पता? मैं बिजनेस बॉयज शो देखता हूँ। अच्छा, माँ मुझे वो देखने नहीं देती। गुड नाइट मॉम, मैं जल्दी सोने जा रहा हूँ।
Hey Fang, एक गेम कीचड़ लड़ाई खेलना चाहोगे? हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। बहुत अच्छे फैंग। चीट किया जाए या छोड़ दिया जाए, यही तो सवाल है। जरा देखो उसे, उसे लगता है वो कितना स्मार्ट है। वैसे उसके बहुत चाहने वाले हैं। तो वो मेरा पांचवा सफल चुनाव था या फिर छठवा था? ये तो कुछ ज्यादा ही बार है। हे हेनरी रुको, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। किसके लिए? वर्ल्ड जेली बेबी कॉन्टेस्ट के लिए? नहीं, तुम्हारे स्कूल काउंसिल का। तुम हमारे स्कूल काउंसिल के लिए खड़े हो? हाँ, मेरी मिस बैटल एक से पहले ही बात हो गई, ऐसा कोई नियम नहीं जो मुझे रोक सके। पर ये तो हमारा स्कूल काउंसिल है, तुम तो स्कूल के भी नहीं हो। वैसे आज तो मैं पढ़ रहा हूँ और फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। बस बहुत हो गया, अब मैं चुनाव के लिए लड़ूंगा। अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो मैं तुम्हारी कैंपेन मैनेजर बनूंगी। हाँ, तुम्हारी कैंपेन मैनेजर, मैनेजर्स। थैंक यू। शायद तो क्या हमारे दोनों उम्मीदवार ये बताना चाहेंगे कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो उनके वादे क्या होंगे? बिल्कुल मिस बी, अगर मैं आपको इस नाम से बुला सकूं तो। मेरा संदेश बड़ा ही आसान है। मैं भी आसानी सुनना चाहूँगा। मैं एस्टन को महान बनाने का वादा करता हूँ। क्या कहा? एस्टन कभी महान था? पागल मत बनो हेनरी। मतलब मैं जानता हूँ ये हमारा घर है और फुटबॉल टीम बुरी नहीं है और बर्गर की दुकान है, पार्क भी है, पर ये जगह महान नहीं है। सही कहा हेनरी, तो मैं इसे फिर से महान बनाऊंगा। पर अब मैं क्या कहूँ? मुझे यकीन है तुम कुछ सोच ही लोगे। हाँ, सोच ही लोगे। थैंक्स। वैसे मेरा मिशन भी सिंपल ही है। अगर मुझे चुन लिया जाता है तो मेरा वादा है कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई होमवर्क नहीं करना पड़ेगा और सभी के लिए चॉकलेट मिल्कशेक। बहुत खूब हेनरी, बहुत खूब। वैसे मैं अब भी जीत जाऊंगा। तुम क्या सोच रहे थे? सोच नहीं रहा था। ये मजाक नहीं है हेनरी, तुम्हारे लिए मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगाई है। वैसे मैंने तो नहीं कहा था। नहीं कहा था, पर अगर तुम सोचते हो कि मैं उस गोल नाक वाले छुचंदर को मेरा लीडर बनने दूंगी। वो ऐसा नहीं सोचता है मार्गरेट, चलो काम की बात करें। ठीक है, तो हेनरी तुम्हारा घोषणा पत्र? हाँ, घोषणा पत्र। हाँ, मुझे लगा मैंने कमाल कर दिया। बेकार है। क्या? मैंने कहा बेकार है, मैं बताती हूँ क्यों। जरूर बताओगी? वो बेकार है क्योंकि पहली बात, एक तुम ही हो जिसे अक्सर सजा मिलती रहती है, तो उससे छूट मिलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही चुनाव जो सही और समान होगा, पर मुझे नहीं लगता। यही तो। और दूसरी बात, हम जैसे लोगों को होमवर्क करना अच्छा लगता है। सच में? हाँ, लगता है। ये एक खास तरीके की दिमागी एक्सरसाइज है जिससे ज्ञान बढ़ता है और आप बुद्धिमान बनते हैं। चॉकलेट मिल्कशेक का क्या? एक दो वोट तो मिल ही जाएंगे। सभी को चॉकलेट मिल्कशेक पसंद नहीं होता हेनरी। हेनरी को वोट दो। बस बॉयज तो तुम्हारे साथ हैं, ये तो अच्छी बात है। सच में? चिंता मत करो हेनरी, हम तुम्हारे साथ हैं हर दिन पूरी तरह से। हुर्रे! बढ़िया, अब मैं तो पक्का हारूंगा। तू मेरा साथ क्यों दे रहा है? तुझे तो काउंसिल में शामिल होना था। हमने मिलकर ये फैसला लिया है कि अलग अलग चुनाव लड़ना हमारे लिए सही नहीं होगा। अच्छा। हम अपने बीच मुकाबले में भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि बेस्ट बॉयज की खुशी इसी में है कि तुम जीतो, और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, इसीलिए हम तुम्हारे साथ हैं। मैं क्यों?
स्टीव क्यों नहीं? क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो हेनरी, और तुम दोनों में से ज्यादा अच्छे हो। वेल, कम से कम सच तो बोला। थैंक्स कीड़े। तो बेस्ट बच्चा जीतेगा। वोटिंग की शुरुआत की जाए। लेकिन एक बदलाव है। मिस बैटल एक्स की सलाह पर मैंने फैसला किया है कि दोनों में से बड़े को शुरुआती बढ़त दे दी जाए। नहीं, अब बस भी करो हेनरी। अरे हेनरी, मत करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, शुरू। क्या चल रहा है? पता नहीं, लगता है कोई टीवी पर कार्टून देख रहा है। पीटर, पीटर, इसी वक्त ऊपर आकर सो जाओ पीटर। सैटरडे मेरा फेवरेट दिन। थप्पड़ लगाओ हेनरी, भूल गए सारे काम खत्म होने तक नो टीवी? काम नहीं। अभी हेनरी, क्या मैं आज रात के घर जा सकता हूँ? शायद, सारे काम खत्म कर लो, उसके बाद हम देखेंगे। ये जब मम्मी डैडी बोले देखेंगे तो इसका मतलब हमेशा हाँ ही होता है। मुझे साफ सफाई करना बहुत पसंद है। अब चलो हेनरी, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी खत्म भी कर पाओगे। ठीक है, क्या क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले फैंक का घर साफ करोगे। हेलो फैंक, भूल गया होगा ना मुझे। चलो फैंग, अंदर चले जाओ। हाँ ठीक है, आ जाना फैंगी फैंगी, अच्छा बच्चा है ना तू। छोटू फैंगी, छोटू फैंगी, आई लव यू, आई लव यू। हेनरी, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। दफा हो जा, म्याओ म्याओ। ओ बिचारे म्याओ म्याओ, बिचारे म्याओ म्याओ। यहाँ पर क्या हो रहा है? फैंग म्याओ म्याओ को बहुत सता रहा है। झूठ मत बोल। फैंग को अभी नीचे छोड़ो हेनरी, उसके साथ खेलने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। और अपना रूम तो देखो, हमेशा से ज्यादा गंदा किया है इस बार। ओह, ये तुम बाद में कर लेना, पहले सारे कचरे के डिब्बे खाली करो प्लीज। चल बेटा फैंग, घर जा। जब मैं राजा बनूंगा तब सिर्फ मम्मी डैडी काम करेंगे।
डस्टबिन्स खाली कर रहा हूँ। शायद मामा का ये मतलब नहीं था, मैं अभी मामा को बता देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। मामा! मामा! हेनरी? हाँ? सारे डिब्बे खाली कर दिए क्या? हाँ, अब मैं राल्फ के घर जाऊँ। अभी तो काम शुरू ही हुआ है, डैड को गाड़ी धोने में मदद करो, चलो जाओ। वॉक पे जाने के लिए कार, गार्डन तो यही पर है। आज हम गार्डन में नहीं, गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव की तरफ? किस लिए? वहाँ की मुर्गियाँ हमें खा गई तो? इंसान खाने वाली मुर्गियाँ। पीछे वाले गार्डन में क्या प्रॉब्लम है? बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठ जाओ हेनरी। मैं आपको कह रहा हूँ, आप पछताओगे। हमें हेनरी की बात मान लेनी चाहिए थी। किसने सोचा था कि जिन मुर्गियों को हम खाते थे वो मेरे हेनरी को ही खा जाएगी। आज के बाद मैं कभी ऑमलेट नहीं खाऊंगी। हेनरी बैठ जाओ। आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। हेनरी एक थप्पड़ पड़ेगा, जरा भी चूचा की ना तो उल्टा लटका दूंगा। ओ मामा, वो देखो एक कबूतर। बाहर निकलो हेनरी। निकाल कर तो दिखाओ। ठीक है, पर जितने स्टेप्स मैं लूंगा तुम्हें उतने ही थप्पड़ पड़ेंगे। गिनती शुरू करो। एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन थप्पड़, चार थप्पड़। देखता हूँ इन्हें, बड़े आए मुझे थप्पड़ मारने वाले। इधर दे। मामा, हेनरी ने मेरे बानकुल छीन लिए। हेनरी, पीटर को वापस दे दो। मामा, रात हो गई है क्या? क्या खुशबू है। मुझे तो सिर्फ बदबू आ रही है। बॉडी कर दिया क्या पीटर? मामा, हेनरी मुझे चिढ़ा रहा है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सुनो हेनरी, तुम पीटर को उसके नेचर प्रोजेक्ट में हेल्प क्यों नहीं करते? जरूर। मधुमक्खियों का छत्ता, ये तो हमें काट सकती है ना? बोलो ना। अगर तू गाना गाएगा तो वो तुझे नहीं काटेंगी और तुझे प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स मिलेंगे आराम से। अच्छा, मधुमक्खी मधुमक्खी आ जा तू। गाओ पीटर गाओ। मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो। पीटर, मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहो। कुछ नहीं होगा पापा, मैं गा रहा हूँ ना। हेनरी ने कहा गाने से मक्खियाँ नहीं काटती। मुझे नहीं काटना। पीटर रुको, वो काट भी सकती है। नीचे उतरो। तुम्हें सचमुच थप्पड़ की जरूरत है हेनरी। मैंने क्या किया? पापा ने ही तो कहा था कि पीटर की हेल्प करो, तो मैंने कर दी। इसे हेल्प कहते हैं? तो आप ही बता दो किसे कहते हैं। पीटर चलो हेनरी। आइडिया फटे। जितनी जल्दी हम उस सड़े लेक तक पहुँचेंगे उतनी जल्दी मैं घर जाके टीवी देख सकता हूँ। चलो चलो जल्दी भागो, कितना मजा आ रहा है। ये हुई ना बात हेनरी। चलो चलो। इधर काटा, उधर काटा, काटा काटा। चल रे बोंधुराम, जो लास्ट पहुँचेगा वो अंडा।
देखो, मुझे लेक मिल गया। जल्दी आओ, एक शॉर्टकट है। मुझे पता था वो एंजॉय करेगा। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। गोल गोल रानी, कितना धीरे चल रहे हैं। मुझे पता था ये ऐसे ही करेंगे। गोल गोल रानी, गोलम गोलम रानी, कितनम कितनम पानी। इनकी वजह से मेरा टीवी टाइम मिस हो रहा है। इन्हें कैसे जल्दी चलाऊं? क्या बात है। मुझे मिला है ब्लू। मेरा वाला ग्रीन। येलो। ये ब्लैक है। हाँ ब्लैक है, तेरे भेजे की तरह बेकार। तुम्हें कौन सा मिला है मार्गरेट? हाँ, पीछे हट मोटे, मेरे पास है चांदी का जान। नो वे। क्या बात है। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो गोल्ड जान है। क्या बात है, तू कितना लकी है यार। कैसा दिखता है गोल्डन? क्या हम उसे देख सकते हैं? वाव, ये हुई ना बात। गोल्डन से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहाँ है? घर पर। पागल हूँ जो स्कूल ले आऊंगा अगर चोरी हो गया तो? मेरा लंच बॉक्स भी ऐसे ही चोरी हो गया था। बकवास! तेरे पास कोई गोल्ड जॉन वॉन है ही नहीं, झूठे कहीं के। और अगर तेरे पास कोई होता तो तू सबको दिखाता फिरता। हाँ हेनरी, हम भी देखना चाहते हैं। जल्दी दिखाओ, 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 जल्दी दिखाओ। कल सुबह गोल्ड जॉन देखकर तुम्हारी आंखें फट जाएगी। जा जा, बड़ा आया। हेनरी बेटा, तुझे कुछ करना ही पड़ेगा। पोस्टर्स, कार्स, बुक कलेक्शन। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ तेरे जाने के बाद मुझे क्या क्या मिलेगा। गोल्डन खतरनाक जो है। क्यों? गोल्डन तो हर किसी को चाहिए। लेकिन उसके बैड लक का क्या होगा? बैड लक? लल्लू, तू पेपर नहीं पढ़ता क्या? उसमें लिखा है जिसे भी गोल्डन मिलेगा उसका बैंड बच जाएगा, खत्म। ये झूठ है। ये सच है। एक लड़की थी, उसे भी गोल्डन मिला तेरे जैसा। बस दूसरे दिन पॉटी करने गई तो खुद ही फ्लश हो गई। और एक लड़का भी था जिसे गोल्ड ऑन मिला था, अपने डॉगी को घुमा रहा था कि ऊपर से गिरा और गरम लावा में अटका। और ये सब सिर्फ गोल्ड ऑन के बैड लक के कारण। ओह नो, मैं देख सकता हूँ गोल्डन का बैड लक धीरे धीरे तेरे पास आ रहा है लल्लू। इसका मतलब तू मरने वाला है। मैं बैड लक से नहीं डरता। बचाओ मुझे हेनरी, बचाओ। मामा, मामा मुझे बचाओ, मामा। ठीक है, अगर तू वो गोल्डन किसी और को दे देगा तो बैड लक भी उसके पास चला जाएगा। अब मैं तेरा बड़ा भाई हूँ तो तेरा बैड लक भी मैं ही ले लेता हूँ, सिर्फ तेरी जान बचाने के लिए। हेनरी, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। हाँ। कितना लल्लू है। हैं? तुमसे मिलने मार्गरेट आई है, मेरे प्यारे भाई। मैं तुम्हारे लिए कल सुबह तक नहीं रुक सकती। कहाँ है वो गोल्ड टॉन? मैं देखना चाहती हूँ अभी के अभी। पीटर, मेरे लिए एक और कोल्ड ड्रिंक और एक चॉकलेट शेक और एक और शेक लाना, जल्दी। अभी लाया भाई। पता है मेरा बड़ा भाई बहुत ब्रेव है। ठीक है ठीक है, तो दिखाओ जल्दी। कितना सुंदर है ये, मुझे दे दो। बड़ी आई, ये गोल्डन है। मैं तुझ जैसे बिद्दी को क्यों दूं? मैं तुम्हें वो नई गन दूंगी। ग्रीन कलर वाली? बिल्कुल सही, एकदम नई। पैची पैक। ठीक है,
फिर कल? हाँ, स्कूल में जरूर आना। अब आएगा असली मजा। सच में उसे दे दिया। क्या बात है? सच में खूबसूरत है। बहुत ही अच्छा है। ये कहाँ से आया? हाँ, इसका तो रंग उतर गया। लगा तेरी सड़ी गन के लिए मैं तुझे गोल्ड ऑन दे दूंगा, इसके लिए मुझे कोई और अच्छा ऑफर चाहिए। मंडे को तुम लोग अपने बेस्ट खिलौने लेकर आना, अगर पसंद आया तो मैं ये एक्सचेंज कर लूंगा। बच गए। मिल गया। नंबर 42। यस, काम हो गया बॉस। हेनरी, तुम अपने भाई पीटर का ध्यान रखो, पापा और मैं हेल्प करने जा रहे हैं। वाओ, चलो ना कैंडी फ्लॉस खाते हैं। हाथ छोड़ कीड़े, मुझे टिकट खरीदना है ताकि किसी को मेरा नंबर ना मिले। इसका मतलब मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। क्या प्राइस टिकट कहाँ मिलेगा? उस काली दीवार के पीछे। एक बाइट लोगे? वापस दो, बेन रोको उसे। अब नेक्स्ट कौन आएगा खेलने? अरे हेनरी, तू तो बड़ा एक्साइटेड है। नहीं टीचर, मुझे ये बकवास गेम नहीं। अरे शर्मा मत बच्चे, चल शुरू हो जा। वापस आ जा बच्चा। सॉरी टीचर, मैंने आपको पहले ही बताया था। हेलो, ए, हेलो, टिकट खरीदा है? हेलो, अभी काउंटर खुला नहीं है हेनरी, बाद में आओ। वो रहा, पकड़ो उसे, देख लूंगा। अब नेक्स्ट कौन है? ठीक से बैठो। खुफिया प्राइस कंपटीशन के लिए टिकट अभी से मिल सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, प्राइस जीतने का अच्छा मौका है। अब इन छचुंदरों में से कोई भी नंबर 42 चुन सकता है। ठीक है बेटा, ठंडे दिमाग से सोच। ऐसी सिचुएशन में कोई भी होप छोड़ देता है, लेकिन मैं कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं हूँ और एक एक को चुन के मारूंगा और जीत होगी मेरी। देखते हैं पहला कौन है। ये लूजर पप्पू, काम हो गया। मैं तेरी चटनी बना दूंगा हेनरी। अरे चिल मार यार, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुझे विनिंग नंबर बता सकता हूँ। अच्छा, तो क्या? और वो भी सिर्फ 20 रुपए के लिए। दोस्त बता। नंबर है 95। क्या रे एंड्रू, तूने सुना ना, फर्स्ट प्राइज ये सर्कस का शेर है। क्या? और सेकंड प्राइज में 2 शेर देंगे। नहीं। चुपचाप लाइन में खड़ा रहे। जरूरत भी नहीं है, मुझे तो विनिंग नंबर भी पता है। खरीदेगी क्या? तो कौन सा नंबर जीतेगा बता? नंबर 42, यही है। सच्ची मुची डार्लिंग, नंबर 42 ही जीतने वाला है। अब ला दे मुझे 20 रुपए। तू समझता है मैं तेरे घटिया मजाक में फंसूंगी? मैंने तो छोटी पंच चुन लिया है। यस, पता था नहीं मानेगी। ओ नो, ये मोटा भी नंबर लेके चला गया।
नहीं, 42 चुन लिया। उस मोटे के पास मेरा टिकट है। सुन बर्ट, मुझे वो टिकट चाहिए, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। ऐसा क्यों? और मेरा नया फुटबॉल भी। ऐसा क्यों? ठीक है अब सुन, 10 रुपए, मेरा नया फुटबॉल और एक सुपर कुक बैंक 10 का पोस्टर। ऐसा क्यों? देखो हेनरी, मैंने खुफिया प्रेस का टिकट खरीदा और एक रेफर का भी। दफा हो जा लल्लू, मैं बिजी हूँ। तो डील पक्का ना? ये मैं तेरा सामान कल 75। मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। मेरा टिकट किसके पास है? पीटर के पास मेरा टिकट है। पीटर, लल्लू यहाँ वापस आ अभी के अभी। बेटा हेनरी, चॉकलेट खाने से दांत गिरते हैं। दांत है कि कोई सीमेंट की दीवार। क्यों, तुझे तो चिपकू टॉफी पसंद नहीं है ना? हाँ, क्योंकि ये मेरे दांत में चिपकती है और मेरे दांत इस चॉकलेट में चिपकेंगे। दुश्म, समझ गया। दांत नहीं चिपक रहे हैं क्या? मेरा मुंह ही चिपक गया। कुछ कर। क्या? मैं कुछ करूं? अभी आया। क्या? ठीक है, रुक। 1, 2, 3। अब तक नहीं हिला। मोटे मेरी जान, मुझे तू पसंद नहीं है। वो मेरी ही टॉफी है, मैंने ही तेरे सिर पर दे मारी है। आ तोड़ मेरे दांत, सच में। ऐसा क्यों? अबे क्यों, काम मत सोच, बस मार, ज्यादा सोच मत। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों के बच्चे, मार बोला ना, उठा तेरा हाथ, दे एक मुक्का मेरे मुंह पर और तोड़ दे मेरे दांत, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तेरी कसम। ऐसा क्यों? काम बना कि नहीं है? नहीं। एक लात मारूं? एक गिरा हुआ दांत, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुरू होता है मिशन दांत गायब। हेनरी, क्या चल रहा है ये सब? क्या कुछ कुछ नहीं, मुझे लगा पीटर सपने में हैंडी हैंडी चला रहा था, इसलिए देखने चला गया। मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई है वो। हाँ ठीक है, तो तुम अब अपने कमरे में जाओ तुरंत और सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। अब कल सुबह पैसे मुझे मिलेंगे। कहाँ है मेरे पैसे? मामा, डैड, हेनरी, मुझे दांत के बदले 10 रुपए मिले हैं। क्या, 10 रुपए? पर दांत तो मैंने रखा था, ये नहीं हो सकता। मॉम। बोलो हेनरी। मॉम, अगर किसी का दांत गिरा पर वो गिरा हुआ दांत उसके तकिए के नीचे नहीं है और किसी और के तकिए के नीचे मिला, तो कैसा पता चलेगा कि गिरा हुआ दांत किसका है? हेनरी, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? नहीं मॉम, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसे ही पूछ रहा था? वैसे दांत किसका टूटा है ये पता लगाना बहुत आसान होगा हेनरी। कैसे?
जिसका दांत टूटा होगा उसके बीच में गैप होगा। गैप? हाँ वही तो। ओके चलता हूँ माँ। हेनरी, ये कोई जगह है बैठने की? मार्गरेट, चुप कर हेनरी। तुम वहाँ उस गेट से नहीं आ सकते थे। ये कोई तरीका है आने का? ये एक इमरजेंसी है, मुझे तेरे दांत चाहिए। हाँ? उफो, तेरे ड्रैकुला वाले गंदे कॉस्ट्यूम के दांत। अब समझ में आया? ओ अच्छा, इसके बदले तू क्या करेगा? इसके बदले में ये ठंडा ऑरेंज जूस चाहिए। दांत चाहिए कि नहीं हेनरी? आप ऑरेंज जूस लेंगे सुंदर मैडम? ओ थैंक यू हेनरी। क्यों नहीं, जरूर। क्या मुझे पीने के लिए एक स्ट्रॉ मिल सकता है? स्ट्रॉ चाहिए। दांत चाहिए कि नहीं? मुझे स्विमिंग पसंद नहीं। जब मैं राजा बनूंगा तब किसी को स्विमिंग अलाउ नहीं होगी। अब बस कर राल्फ। ओह, पर एंड्रू तो मुझसे डर गया। मैं किसी से नहीं डरता। अगर मैंने तुम्हें डराया तो तुम्हारे इस महीने की पॉकेट मनी मेरी। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ 20 रुपए। ठीक है, तो बताओ इस हफ्ते क्या बहाना बनाओगे? मैं तो स्विमिंग चड्डी लाना ही भूल गया। नहीं यार, पिछली बार तो यही बहाना था, उसके पहले भी यही बहाना था। ठीक है, फिर कुछ नया सोचना होगा। ओह नो राल्फ, तूने झूठ बोला। देख वहाँ पर इतना बड़ा शेर है। क्या, कहाँ है? कहाँ? क्या, कहाँ? अरे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे कहाँ है शेर? अरे यार शहर में कैसे शेर आ सकता है? ओह शायद ज़ू से भाग गया होगा। चुप कर, यहाँ कोई शेर वेर नहीं है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो शेर इस तरफ है। क्या बात है? शेर किधर है? किधर है, किधर है? आओ हेनरी, यहाँ पे कोई शेर नहीं है। अरे तुम लोग लेट आए, वो चला गया। हाँ, हाँ, बड़ा है शेर दिखाने वाला। मजा आ गया बॉस। बुड़बुड़ सर तो क्लास ही नहीं ले पाए क्योंकि किसी के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं थी। राल्फ, तू अपना टाइम वेस्ट मत कर। अच्छा देख, अभी तू डर जाएगा। मम्मी को स्कूल से फोन आया था, कल स्विमिंग का एक्स्ट्रा क्लास है, समझा क्या? कल? और स्विमिंग कॉम्पिटिशन भी है। स्कूल का टाइम हो गया हेनरी, 8 बज गए हैं। आज स्विमिंग क्लास है। देख तो किसी को मत बोलना एंड्रयू, अभी अभी एक्वेरियम से एक शार्क भाग गया है। क्या शार्क? हाँ, इंसान खाने वाला खूंखार शार्क, और वो इस तरफ आ रहा है, तो संभाल कर रहना। हेनरी ने बोला शायद हमारे पूल में शार्क हो सकता है। शार्क तो समंदर में रहते हैं, उन्हें पूल का पानी पसंद नहीं है। मुझे भी ये पानी पसंद नहीं, लेकिन इसमें स्विम करता हूँ मैं। हाँ सही बोला यार। सॉरी यार, इस बार भी डरना भूल गया। तुझे तो नानी याद दिला के रहूंगा। आज तो मैं टाइम पे हूँ सर। चलो सब लोग पूल में उतरो। हेनरी आज फिर से कोई। सॉरी सर, आज मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि। कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार, समझे? और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अगर तुम्हें सर्दी, खांसी, बुखार, पीठ दर्द, सिर दर्द, नाक का दर्द या कहाँ का भी दर्द हो, चलो चड्डी पहनो। मैं तो पहनना चाहता हूँ सर, लेकिन बैड न्यूज है, मैं अपनी चड्डी भूल गया। पता था, एक्स्ट्रा है मेरे पास, ले लो। ये सब कौन पहनेगा सर? मैं तो नहीं। गहना पहन लो। अब मुझे पूरे 5 राउंड्स लगाने हैं, वो भी बिना डूबे। हेनरी पानी में उतरो। ये तो डरपोक है सर, पानी से भी डरता है। मैं नहीं डरता सरेली मार्गरेट। हाँ, मुझे पानी पसंद है,
ये देख। हेनरी तैरो, जब तक तुम अपना 50 मीटर्स का टारगेट पूरा नहीं करते तब तक तुम्हें मेडल नहीं मिलेगा। हेनरी के लिए एक स्पेशल मेडल बनाना चाहिए, डूबते हुए कबूतर के जैसा। तू देख, दिस। ये लो, पांच चक्कर लगा लिए, बहुत आसान, अब बाहर निकलू क्या? हेनरी, तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? एक्चुअली कभी इसके बारे में सोचा नहीं। मैंने कहा तैरो ठीक से। हम किसी बेबी सिटर को बुलाए क्या? नहीं, आज तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। हेनरी, उसने फिर से कार की चाबी ले ली। हेनरी, हेनरी मैं अंदर आ रहा हूँ। हेनरी नहीं, टॉयलेट में नहीं। क्या हेनरी अंदर डालेगा? ये पागल कर देगा। तुमने कुछ नहीं देखा पीटर। ओके, अब चलो। यहू, जल्दी चलिए, मुझे बाहर खाना और कुछ नया ट्राई करना बहुत पसंद है, सिर्फ बीट रूट को छोड़ के। हाँ वाह, मुझे भी बाहर खाना पसंद है, सिर्फ सी फूड नहीं खाती हूँ। हाँ, और डैड को टमाटर पसंद नहीं है, और मुझे बर्गर छोड़ के कुछ भी नहीं खाना है, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कह दिया तो कह दिया। ठीक है हेनरी, तो सुनो, अगर तुम अच्छे से रहोगे और प्लेट में दिया सारा खाना खत्म करोगे तो मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। 20 रुपए सिर्फ मुंह में खाना ठूसने के लिए? आज से पहले तो कुछ नहीं दिया मुझे, अब मैं 30 रुपए की बात करके देखता हूँ। 30 रुपए दोगे तो मैं चलूंगा। एक पैसा भी ऊपर नहीं। ठीक है, डील। अच्छा, बनने के लिए मुझे क्या मिलेगा? ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद पीटर बेटा। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो रूबी आंटी ने हमें इतने महंगे होटल में खाने पर बुलाया है। हम बर्गर फॉरएवर पर चले, वहाँ असली खाना मिलता है। बदमाशी नहीं, तुम्हारा कजन स्टीव भी आ रहा है। ओ नो, अकड़ू स्टीव नहीं। स्टीव मेरा फेवरेट कजन है। गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? आप चाबी हमें दे दीजिए सर, हम गाड़ी पार्क कर लेंगे। डार्लिंग, रूबी आंटी। रूबी, नई कार? ओ, हाँ, कल ही खरीदी है, 5 महीने पुरानी वाली नौकर को दे दी। तुम्हारी कार का क्या है हेनरी? हाँ, कबाड़ खाने वाले को दे दी क्या? थैंक यू सर। अरे वाह, जरा वो देखो। हाँ, कितना सुंदर है, और ये पूरा बर्फ का बना है। मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा। नहीं आता अगर खाना ठूसने के लिए मुझे 20 रुपए नहीं मिल रहे होते। और मुझे अच्छा बनने के लिए मिल रहा है ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। हाँ? चुप कर कीड़े। इतना महंगा होटल और फर्श तो देखो, लगता है जैसे चोर बाजार से लाए हो। माँ प्लीज धीरे बात करो। मुझे मत सिखाओ क्या करना है, इन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे? माँ धीरे। वाव, मुझे नहीं पता था कि टीचर्स को भी डांट पड़ती है। तो सब क्या खाना चाहते हैं? अगर मुझसे पूछे तो ये क्या अजीब अजीब नाम है इस होटल में। अबे डबर, पढ़ना भी आता है क्या तुझे? रूबी आंटी, आप ही मेरे लिए ऑर्डर कीजिए, मैं सब कुछ खाता हूँ। हम सब के लिए रूबी ही ऑर्डर करेगी। बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक मिनट, मुझे अपना पूरा खाना खत्म करना है, तो मैं अपना खाना खुद ऑर्डर करूँगा।
यहाँ बर्गर और चिप्स कहाँ लिखा है? सर वो सिर्फ दोपहर के खाने में मिलता है और अभी हम डिनर का ऑर्डर ले रहे हैं। अगर दम है तो स्टार्टर्स में ये ऑर्डर करके दिखाओ टफर। एस्कार्गोट, वो क्या है? ऑर्डर तो कर। ज्यादा बकबक मत कर, समझा ना, तुझसे पूछा किसने? हाँ लल्लू, कर ले, पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आया है ना, बाद में तो फंसेगा ही। चुप कर अकड़ू, मेरे लिए एक एस्कार्गो ऑर्डर कीजिए। बढ़िया चॉइस, ये हमारे यहाँ की खास डिश है। आपका ऑर्डर सर। उल्टी हो जाएगी मुझे, चलो सर खा के दिखा। ₹20 हेनरी, ₹20। अच्छा है, च्युइंगम जैसा टेस्ट है। ओ स्टीव, तू खाएगा थोड़ा सा? अच्छा है। चॉकलेट पुडिंग। हेनरी उसे मत खाना। गंदा कर दिया। हेनरी तुम्हें तो क्या, मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा? यही नहीं, दीवार भी साफ करनी पड़ेगी और वो भी मेहमानों के आने से पहले। और हेनरी, ये डिनर सिर्फ बड़ों के लिए है, उनके आते ही सोने के लिए चले जाना। सोने के लिए? पर मैं जागूंगा क्योंकि मैं म्यूजिक बजाने वाला हूँ। ये ठीक नहीं है। प्लीज मुझे डिनर आपके साथ करने दीजिए। लास्ट टाइम जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। वो कितने साल पुरानी बात है, तब मैं छोटा था। वाह, डिनर आ गया। ये लड़का भी। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, प्रॉमिस बदमाशी नहीं करूंगा। हेनरी जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ। ये गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये ठीक नहीं है डैड। आज डिनर पर क्या बना रहे हो? छोले, मटर पुलाव और मीठे में चॉकलेट पुडिंग। मॉम आप कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं आज रात आपके साथ रह सकता हूँ? पर सोना तो पड़ेगा ही। पर ये गलत है, पीटर डिनर के बाद जागेगा और फिर चॉकलेट पुडिंग भी खाएगा। लेकिन मेरा क्या? पीटर सिर्फ म्यूजिक बजाएगा। तुमने भी अपनी म्यूजिक क्लास नहीं छोड़ी होती तो आज जाग सकते। हाँ, और उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। मुझे पता है कि बच्चों का जल्दी सो जाना अच्छी आदत होती है। एक, जाओ अपने रूम में। नहीं जाऊंगा, मुझे भी जागना है, मुझे भी चॉकलेट पुडिंग खाना है। ऊपर जाओ इसी समय और जब तक मैं नहीं बुलाऊं नीचे मत आना। लगता है मेहमान आ गए। ओहो, ये तो गिर गया, फिर से बनाना पड़ेगा। अरे आइए आइए। हेलो हेलो अंकल और आंटी, मैं हूँ सबका प्यारा पीटर। कितना ट्रैफिक था, हरक्यूलस को नीचे छोड़ दो। देखो म्याओ म्याओ, क्या बढ़िया डिनर है तेरे लिए। हरक्यूलस, नहीं, मेरे बच्चे को बचाओ। हरक्यूलस, रुक जाओ। अब तो जरूर बजेगा पीटर का बैंड। ओह हरक्यूलस, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। क्या आप अपनी बदमाश बिल्ली को बंद नहीं रख सकती?
ये सही नहीं है। मैं यहाँ अकेला सड़ रहा हूँ और वो नीचे मस्ती कर रहे हैं। चॉकलेट पुडिंग। वाह, कोई हैंडी को डिनर पर बुलाए ना बुलाए, हैंडी खुद डिनर पर जाएगा। बढ़िया। हो जा शुरू हेनरी बेटा। लल्लू इतना अच्छा कैसे बजाने लगा? किसी ने तुम्हारे नोटेशंस में गड़बड़ की है पीटर। वाह क्या बात है, आजा चटको राम, आजा मेरे बेटे। सॉरी ये आखिरी है। हाँ मेरे दोनों बच्चे बहुत शांत हैं और उन्हें तो हरक्यूलिस नॉटी डॉग। और सुनो बच्चों, आज का प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। आइसक्रीम फैक्ट्री आज बंद है, तो इसीलिए हम म्यूजियम जा रहे हैं। म्यूजियम? हम पहुंच ही रहे हैं बच्चों, इसीलिए इतना शोर मत मचाओ। पर हम और कहीं क्यों नहीं जा सकते? म्यूजियम में जाकर हम क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरा नाम है मिसेस क्रंच, CRUNCH, क्रंच। और आज के लिए मैं तुम्हारी गाइड हूँ, और तुम सब के लिए मैंने एक स्पेशल टूर भी सोच मुझे रखा। तो डायनासोर देखना है। मुझे भी। सॉरी बच्चों, पर ये नहीं हो पाएगा। हमारा नया डायनासोर पार्क तो फिलहाल बाहर वालों के लिए बंद है। मेरे डैडी ने बोला कि आपके पास मम्मी है। हाँ हाँ बेटा, हम सब की मम्मी। मैं भी कितनी फनी हूँ। मतलब कि वो इजिप्ट वाली डरावनी मम्मी है ना। एक मम्मी। की जगह हमें डायनासोर पार्क बनाना पड़ा है, इसलिए वो भी आप सबके लिए बंद है। ठीक है, खुल जाएगा तो हम भी आ जाएंगे। बदतमीज बच्चे, तुम यहाँ कुछ सीखने आए हो? और जो बच्चे शैतानी करते हैं उनके लिए हमारा बैड बॉय रूम भी है, लेकिन तुम वहाँ ना जाना चाहो तो अच्छा होगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो सब मेरे पीछे आओ। बच्चे यहाँ आओ। जैसा आप देख सकते हैं, हमारा मेन एग्जीबिशन आपको इस जगह का इतिहास बताता है। एक जमाने में यहाँ पेड़ पौधे पूरे इलाके में फैले हुए थे। मेरा गार्डन भी इससे बेटर है। चलो शुरू करते हैं इस मिट्टी से, इस पवित्र धरती की मिट्टी जो वैसी की वैसी है जब से धरती बनी है। देखो इसे, सूंघो इसे, महसूस करो, हमारे देश की मिट्टी आज भी जिंदा है इतिहास के एहसास। जिंदा है, जिंदा है। बहुत हंसी आ रही है, लेकिन ये सही कहा मैंने, ये मिट्टी बिल्कुल जिंदा है। देखो इसके अंदर की जिंदगी देखो। मुझे कीड़े पसंद है। हम इन्हें पकाकर खा भी सकते हैं। चुप रहो। इन कीड़ों को हम खा भी सकते हैं ना? ऐसा क्यों? आ, 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 आ,
जल्दी सारे कीड़े इकट्ठे करो। मैं इन्हें हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कुछ हो गया तो। ओहो, डरना बंद करो, ये सिर्फ कीड़े हैं। मिस, मुझे बहुत जोर से सुसू आई है। हाँ हाँ जाओ, लेकिन ऐसे कूदना बंद करो। इस सब के लिए कोई जिम्मेदार है जिस पर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज्यादा। मिस लवली, ये सारे पेड़ और पौधे तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना? ए, मेरे लिए रुको। दूसरा वाला लंच के बाद ले आएंगे। वाह, क्या टोपी है, और तूने स्कर्ट पहना है। मुझे हाथ मत लगाओ। क्या, इसने कुछ कहा? वो पुतला ये बोलता भी है। अच्छा, अच्छी बात है, तुम चुपचाप अपनी क्लास में जाओ बच्चों। नहीं, वो मेरे भाई की क्लास है, मेरी क्लास इस तरफ है। जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ चलो ठीक है। yes. पर नो शैतानी हेनरी। हाँ ओके मम्मी, बिल्कुल नहीं शैतानी करने तो जा रहा हूँ। निक के मम्मी पापा तो उसे कुछ नहीं कहते। तो क्या सबके बच्चे सो गए हैं? क्योंकि अब वक्त है डर डर के डरावनी पिक्चर देखने का। इस बार तो मजा आ जाएगा। सुनो हेनरी, तुम अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, ठीक है? मुझे आधी रात को कोई फोन नहीं आना चाहिए, पिछली बार की तरह, और उसके भी पिछली बार की तरह। अपने बेटे को ले जाओ यहाँ से। 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 और उसकी पिछली बार की तरह, और उसकी भी पिछली बार की तरह, और उसकी भी पिछली बार की तरह। डैडी, मैं समझ गया। मेरी बात याद रखना, कोई शैतानी नहीं। मुझे निक के घर से कोई फोन नहीं आना चाहिए। आई, हेलो, कैसे हो? मैं हेनरी हूँ आंटी। वेलकम है जी, वेलकम है जी। निक का घर है ना? चुप बच्चों, चुप। नहीं, ये हमारे बच्चे हैं। निकी, तुम्हारा दोस्त आ गया। और मम्मी जी की सिंगिंग कैसी है? कल कॉलोनी में सिंगिंग कंपटीशन है। आ गए तेरी बल्ले बल्ले। हाय हेनरी। ओह, इन्हें छोड़ो, खुद को बहुत कूल समझते हैं दोनों। तुम्हारे मम्मी पापा कितना चिल्लाते हैं। हाँ, कहते हैं कि ये दिल से बात करते हैं। तो तू कितने बजे सोता है? जब मैं चाहूँ तब। मैं अपने मन की करता हूँ, कूल है ना? वाह, तू तो बड़ा लकी है। हाँ, पर किसी रोक टोक के बिना मजा भी तो नहीं आता। मेरी छोटी बहन से मिल, लिली। आई लव यू हेनरी। तुम पहले फ्रेंड हो जो रहने आया है, तो अब हम क्या करें? किचन पर हमला करते हैं। ओह, अच्छा आइडिया है। कहाँ से शुरू करें? तेरी मम्मी बिस्किट्स कहाँ छिपाती हैं?
ले पकड़। थैंक्स, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। ओ, तू चाहता है मैं उन्हें छुपा दूं? रिगल ले जो, उसे वापस कर दो। ओ, वेरी सॉरी यार हेनरी। रहने दे। चल कुछ और करते हैं। जाओ यहाँ से लिली। कितनी गंदी है। हाँ, कूल है ना? हेनरी सुनो तो। ये बजा सकता है क्या बे? मुझे बजाना नहीं आता पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानता हूँ। नेक्स्ट। मैंने तुझसे कहा था राल्फ लड़कियों को मत बोला। मिल गया अपना तीसरा बैंड मेंबर। तो अगर तू मेरा बैंड ज्वाइन करता है तो तू हमारे बैंड का कैप्टन बन सकता है पीटर, सोच ले। मतलब मैं सच्ची मुच्ची का कैप्टन ही बनूंगा ना? हाँ, बिल्कुल सच का। वैसे लीडर रहूंगा मैं। और मैं हूँ सेकंड लीडर। पर तू कैप्टन है, कैप्टन। वाओ, मैं तैयार हूँ। पर हम लोग प्रैक्टिस कब करेंगे? अरे प्रैक्टिस वैक्टिस छोड़, दुनिया वालों हमारे तो मेरे साथ ही हो। तैयार हो तुम? हाँ, रोने के लिए, क्योंकि फर्स्ट आएंगे हम और तुम आओगे लास्ट। हाँ लास्ट। अगर मार्गरेट सच में फर्स्ट आई और हम लास्ट आ गए तो क्या होगा? अरे चिल यार, मैंने सब सोच लिया है। जीतेंगे तो हम ही, समझे? गुड आफ्टरनून, और स्वागत है हमारे आज के पहले टैलेंट कॉम्पिटिशन में। और पेश है एल, जो आपको एंटरटेन करेगा होके उल्टा पुल्टा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, दो, दस, एल, नहीं, स्पाइडर। आगे देखेंगे ब्रायन के दिमागी झटके। मुझसे जो सवाल करना है करो और मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। टेलीफोन किसने बनाया? इजी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बताओ इंडिया का कैपिटल कौन सा है? सिंपल, दिल्ली। एक चॉकलेट के डब्बे के बदले मैच टेस्ट में लिंडा को चीटिंग किसने करवाई थी? मैंने करवाई थी। चलो अभी मुझे तुमसे बात करनी है। काफी जोर का झटका लगा है और अब बारी है मार्गरेट और उसकी बोलती हुई डॉल सूज़न की। एक काली चींटी ने सफेद चींटी के कान में धीरे से क्या पूछा? तू कौन सा पाउडर लगाती है? बेवकूफ, ये लाइन मेरी थी, तुम्हें बोलना था, मुझे नहीं पता। अभी बोल देती हूँ, मुझे नहीं पता। कितना अच्छा कर रहे हैं। उन्हें देखकर लोग कितना हंस रहे हैं। तो क्यों ना लोगों को कुछ और हंसाया जाए। ओहो, ये तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जिससे अपनी जीत पक्की हो जाए राल्फ। कुछ तो बोलो बुद्धू जॉन। अब आया मजा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हेनरी। बाय।
अब बंद कर लीजिए अपने कान, क्योंकि आ रहे हैं सबसे शैतान हेनरी के बदमाश हीरोज। टू थ्री फोर। हेनरी चीटिंग कर रहा है। रुक जा भाई। छोड़ो मुझे। नहीं। वो हमें उल्लू बना रहे थे। झूठे कहीं के। मेरे ऑफिस में चलो। और तुम भी राल्फ। कैसे हो हेनरी? गार्डन में मेरे अधिकार ज्यादा है, उसका कोई अधिकार नहीं, और समय आ गया है कि उसे कोई बताए कि उसका कोई अधिकार नहीं। तो तुम यहाँ हो मिस्टर, मेरे गार्डन में मुझे क्या करना है ये बताने का हक तुम्हें नहीं। हाँ, मुझे पता है मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। वो भी मेरे बैक गार्डन में। हाँ, वो भी तुम्हारे बैक गार्डन में, वैसे किसी और जगह भी अधिकार नहीं। क्या चल रहा है हेनरी? कुछ नहीं। कुछ तो बात है हेनरी, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। हाँ ठीक है फिर, मोमाज काम कर रही है और उन्हें एकदम शांति चाहिए, क्योंकि वो मिस्टर बॉसी मतलब मिस्टर मौसी के अकाउंट्स कर रही है। हमें शांत रहने से पिज्जा मिलेगा। कौन सा पिज्जा? एक गोल्डन गेट गार्डन सेंटर का पिज्जा। सच में? ठीक है फिर, क्या कीमत होगी उसकी?
इसकी क्या कीमत होगी? मेरे चुप रहने की कीमत, ताकि तुम्हें तुम्हारा पिज्जा मिल जाए। तुम्हारे पिज्जा का आधा? क्या? हाँ ठीक है, सौदा पक्का। और हेनरी, क्या शांति से बात बनती है, समझे? हेलो हेलो हेनरी, हेलो हेनरी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैड, हम बस चुप बैठे हैं ताकि मॉम काम कर सके। बढ़िया, वैसे मैंने इसी बात के लिए फोन किया था। क्या? यही कि तुम शांत हो या नहीं, ताकि तुम पिज्जा पा सको। मैं शांत हूँ या नहीं? हाँ हाँ मैं शांत हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मतलब आपको कैसे पता चलेगा? मैं मॉम को थोड़ी ना पूछ सकता हूँ। तो फिर पीटर को फोन दो। सच में आपको पीटर से बात करनी है? हाँ मैं होल्ड करता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, मुझे एडवाइस देंगे? वो क्या है ना कि मेरा एक सरू पकाओ छोटा भाई है, बोरिंग डांटने वाले मम्मी पापा हैं, जो जब देखो तब मुझे सिर्फ होमवर्क करने को कहते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि एक रॉकस्टार बनने के लिए आपको क्या करना पड़ा। थैंक यू डियर रॉकस्टार, आपका सबसे बड़ा फैन हेनरी। ब्रश करने का टाइम हो गया बच्चों। एक और बात, क्या रॉकस्टार को भी ब्रश करना पड़ता है? सोने का टाइम हो गया बच्चों। तुम तो पहले ही सोने चले गए, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, बस थोड़ी नींद आ रही है। क्या तुमने ब्रश किया? हाँ सुबह ही किया था। गुड नाइट हेनरी। बाय हेनरी। बाय मम्मी। मेरे रास्ते से हटो कीड़े। तुमने कुछ गिरा दिया हेनरी। ये मेरा है। क्या तुमने कोई चिट्ठी लिखी है हेनरी? मैं कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या बोरिंग कर दूँ? हेनरी, हमारे बैंड को तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस देने का मौका मिल गया है। कूल कहाँ? मेरे दादाजी की बर्थडे पार्टी में। वाह ये तो बहुत कूल है, पर क्या उन्हें हमारा बैंड पसंद है? पसंद नहीं है तो पसंद करने लगेंगे, नो टेंशन। अच्छा तो इस भोंदू हेनरी के बैंड को अपना पहला शो मिला है और उनके पास उनका मेन सिंगर ही नहीं है। मजा आएगा। हाँ तो मैं कह रही थी कि अगर इसको इससे माइनस कर दें है? तो आज रात को मेरे घर पर बैंड प्रैक्टिस, ठीक है? मैं आज रात नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? ओह प्लीज मिस, हेनरी बक बक कर रहा है। हेनरी क्लास के बाहर जाओ। पर मैं तो बाहर अभी। ये आज रात को बैंड प्रैक्टिस में नहीं आ सकता क्योंकि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसका मतलब उसे जल्दी सोना होगा और गाना गाना बंद करना होगा। सच में? बेचारा हेनरी। ओह बहुत बड़ी बीमारी है, पता नहीं कब ठीक हो पाएगा वो। बस मेरे दादाजी के बर्थडे तक ठीक हो जाए, वरना पहला शो नहीं हो पाएगा। तो समझ लो गया तुम्हारा शो पानी में। पर टेंशन मत लो रैल्फ, मैं ढूंढूंगी नया मेन सिंगर। सच में? और नहीं तो क्या, मैं हूँ ना। ओह हाँ, और हेनरी नहीं चाहता कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता चले, तो अपना मुंह बंद रखना, समझाई? ओह तुम यहाँ हो राज, मैं आज रात प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकता क्योंकि हेनरी है, मुझे सब पता है। ओके कूल, लेकिन बर्थडे वाले दिन मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। हाँ हाँ पता है हेनरी, सब कुछ साफ साफ देखा है मैंने। ए लड़को, अपने नए मेन सिंगर से मिलो। लेकिन कौन? मैं गधो। बैंड प्रैक्टिस ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगी मेरे ट्री हाउस पर, और 1 मिनट की भी देरी मुझे पसंद नहीं। ठंड रखो दोस्तों, मैं बताता हूँ। जोर जोर से म्यूजिक सुनते हुए मस्ती करने का मजा ही कुछ और है। जल्दी करो। है? या
या फिर कंप्यूटर गेम्स खेलने का। हाँ? वो तो राल्फ जैसा लग रहा था, पर नहीं हो सकता। राल्फ मार्गरेट के ट्री हाउस में चोरी छिपे क्यों जाएगा? और पता नहीं कब कहेंगे लोग मुझे हेनरी राजा। लगता है आज से मैं सिर्फ होमवर्क ही करता रहूंगा। मम्मी, क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है? नहीं तो। क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है मम्मी? नहीं, क्यों? गुड मॉर्निंग हेनरी। फैंग वापस कैसे आ गया? रात को ये ठीक से सोता नहीं है, है ना? ठीक है। पापा, इसका मतलब मेरी दूसरी चीजें भी मुझे वापस मिलेगी? नहीं हेनरी, वैसा सोचना भी मत। चलो जल्दी उठो, काफी काम करना है तुम्हें। क्या कर रहे हो हेनरी? मैं तो नाच रहा हूँ कीड़े, दिखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम अपने खिलौने से खेल रहे हो? मम्मी पापा को पता है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मामा, हेनरी खिलौनों से खेल रहा है। कैसा चुगलीखोर भाई है मेरा। हेनरी, तुम्हें पता है ना कि तुम ये नहीं कर सकते हो? ये भी नहीं, मैं सिर्फ इन्हें ठीक से देख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, इन्हें अब मैं ध्यान से देखूंगी। पर तुम इन्हें जरा पॉलिश करो, समझे? हेनरी कहाँ है? वो किचन में है, चम्मच पॉलिश कर रहा है। सच में? लगता उसे उसमें मजा आ रहा है। इतनी देर हो गई, जरा भी चूचा नहीं की उसने। ये उसे और भी अच्छा लगेगा। हेनरी! है? ओ, तो तुम यहाँ हो, काम कैसा चल रहा है? अच्छा, क्या अब मुझे मेरा थोड़ा सा सामान वापस मिलेगा? नहीं, अभी नहीं हेनरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। थैंक्स पापा, पर क्या मुझे मेरा म्यूजिक सिस्टम वापस मिल सकता है? नहीं हेनरी, कम ऑन बेटे, खोलो इसे। ठीक है, आपने कहा था कुछ स्पेशल होगा। ये स्पेशल है बेटे, ये स्पेशल योयो है। ठीक है, इसके बदले में मुझे मेरे खिलौने दे दीजिए। हेनरी, कम से कम वो गोल्डन वाला। हेनरी, ओहो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि ग्रेट आंट ग्रेटा आज घर आने वाली थी। ग्रेट, जबरदस्त थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पर काम कैसा चल रहा है हेनरी? तुमसे मतलब, भागो यहाँ से सड़े हुए कद्दू और मोटे आलू। वाह, ये तो एक यो-यो है। जैसे मुझे तो पता ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खेलना आता है। अच्छा, तो ये देखो कीड़े। देखा, तुम यो-यो नहीं चला पाए। मैं चला सकता हूँ, ये वाला टूटा हुआ है। नहीं टूटा है। हाँ टूटा है। नहीं टूटा है। पीटर, कितने बड़े हो गए हो तुम। और हेनरिएटा, तुम भी कितनी प्यारी लग रही हो। ओह, चम्मच साफ कर रही हो, कितना मजेदार है ये। मैं जब बच्ची थी तो मुझे बड़ा मजा आता था। पीटर, यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर कुछ बड़े बच्चों जैसा काम करो। और ये लो चॉकलेट्स, जब तुम बड़ों जैसा काम करोगे तो इन्हें खा सकते हो। थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। ओह, तुम्हारे पास तो एक स्पेशल यो-यो भी है। हाँ, पापा ने दिया है मुझे, पर ये चलता नहीं है। जरा देखने दो। देखा, ये चलता है। वाओ, अब कितनी कूल है, आप तो चैंपियन है। ओह,
अरे मैंने अच्छे अच्छों को हराया है और बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती हैं। उन दिनों लड़कियों को कंपटीशन में हिस्सा लेना मना था। अच्छा तो फिर आपने कैसे लिया? उसमें क्या है, मैंने अपने बाल कैप में छिपा लिए और चली गई। उन दिनों पता है मुझ जैसा हैंडसम लड़का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक कहा आपने। अगर तुम एक लड़की हो तो क्या हुआ हेनरिएटा, तुम भी एक चैंपियन बन सकती हो। थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। कम ऑन, मैं बनाऊंगी तुम्हें सबसे बड़ा चैंपियन। कूल। वाह क्या कूल था हेनरी। अब मैं भी अपना एक योयो खरीदूंगा, तुमसे भी कूल वाला। राज ये सुपर कूल है, ये एक स्पेशल योयो है। सही है, कल मिलते हैं। तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे हेनरी। टाइम है छोटे भाई की बैंड बजाने का प्यारे वेयरवुल्फ के साथ। हेनरी, पीटर, सोने जाओ। जा रहा हूँ मामा। एक्सक्यूज मी हेनरी, मुझे ब्रश करने जाना है। हेनरी तुम एक बुक पढ़ रहे हो। इसे बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। किस बारे में है ये? प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस करता हूँ। इसका नाम है वेयरवुल्व्स के बारे में जो भी जान सकते हैं वो सब कुछ जाने। सच में? ये मैंने पापा की लाइब्रेरी से उठाई है, ये बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है। सच में? और क्या पता है, ये असली वेयरवुल्व को पहचानना सिखाती है। तुम्हारे बाल ऐसे कब से बन गए? ऐसे मतलब कैसे हेनरी? मतलब ऐसे बाल, ये देखो यहाँ लिखा है अजीब वेयरवुल्फ बनने की पहली निशानी है ऐसे बाल होना। क्या सच में? क्या तुम्हें कोई और भी निशानी दिख रही है? वो एक तो शायद देखते हैं। अजीब वेयरवुल्फ बनने की दूसरी निशानी है हाथ पर खुजली, तीसरी निशानी है चमकते हुए दांत। तुम दोनों ने अब तक ब्रश किया या नहीं? दांत ब्रश कर लो पीटर, उन्हें और चमकाओ। सोने का टाइम हो गया मेरे गोलगप्पे। मामा क्या मैं आपको अलग सा लग रहा हूँ? अलग नहीं तो, तुम तो अब भी मेरे प्यारे गोलगप्पे हो। वो तो मैं हूँ पर मेरे बाल। वैसे तुम्हारे बाल थोड़े से अजीब तो हो गए हैं, इसलिए हमें इन्हें कटवाना पड़ेगा। गुड नाइट पजामा टाइट, डोंट लेट द मस्कीटोस बाइट। राइट। मैं वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। आ जाओ हेनरी, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में पीटर? लगता है मैं एक अजीब वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। इसमें लिखा तो है कि इससे बचा जा सकता है पर जरा मुश्किल है। क्या लिखा है? झींगा लाला जूस। झींगा लाला जूस? हाँ झींगा लाला जूस, काली घाटी के झींगा लाला पेड़ से। पर हम इतनी रात को काली घाटी जाएंगे कैसे हेनरी? अरे छोटू, हेनरी है तो क्या डर है हा? लेकिन जूस के बदले मैं लूंगा 2 रुपए। 2 रुपए? अब अगर तुम्हें वेयरवुल्फ बनना ही है तो रहने दो, मैं अभी जाकर मेरी पिग्गी बैंक लाता हूँ। असली झींगा लाला जूस। यम्मी। कितनी देर लगा दी हेनरी? पहले पैसे। हाँ। और ये तभी काम करेगा जब तुम कहोगे कि तुम्हें अजीब वेयरवुल्फ अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे अजीब वेयरवुल्फ बहुत अच्छे लगते हैं।
ये चॉकलेट मिल्क जैसा लग रहा है। वो तो लगेगा ही, अगर करेले जैसा होता तो तुम पीते क्या? बोलो। ओह, कभी नहीं। उप्स। आज तो फुल मून है। तो? अरे छोटे भाई, इसी रात तो लोग अजीब वेवस में बदल जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अजीब वेवस बनने से बच गया। अब क्या हुआ हेनरी? अरे नहीं छोटू, मुझे नहीं लगता झींगा लाला जूस काम कर रहा है। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाल और अजीब हो रहे हैं। ओह नो, अब हम क्या करेंगे हेनरी? रुको, मिल गया मुझे। अगर फुल मून हो और झींगा लाला जूस काम नहीं कर रहा हो तो रात भर जरा भी सोना मत, चाहे जो हो जाए पूरी रात जागते रहना। ओह नो, पीटर, इतनी रात हो गई है और तुम अब तक सोए नहीं? मैं सो नहीं पा रहा, क्या मैं आपके साथ टीवी देख सकता हूँ? पर ये तो तुम्हारे सोने का टाइम है मेरे प्यारे लड्डू। और कल स्कूल भी तो जाना है ना? हेनरी, क्या तुम मेरे लिए एक मैसेज डिलीवर करोगे? अच्छा, मिस ऑडबॉट के लिए है। क्या? उनसे कहना कि मेरे घर के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है और इन टीचर्स को हो क्या गया है? हेनरी, अपने क्लास में जाओ अभी के अभी। पर मैं तो मिस्टर सॉगिंगटन का मैसेज लेकर आया था। अच्छा, मिस्टर सॉगिंगटन, क्या कहा उन्होंने? कहा कि उनके घर के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है। अरे वाह, और कब जाना है वहाँ? स्कूल के बाद शायद। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है हेनरी? सब जा सकते हैं सिवाय हेनरी के। अब मैंने क्या कर दिया? तुमने कुछ नहीं किया हेनरी, पर अब तुम्हें करना होगा। मिस्टर सॉगिंगटन से मेरा एक सवाल पूछना होगा। आप खुद क्यों नहीं पूछ लेती? नहीं हेनरी, तुम पूछो। ठीक है, फिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं क्या पहनूं? आप क्या पहनेंगी? वो सब समझ जाएंगे। अब जाओ हेनरी। जी, ये क्या है? राजमा। हेलो हेनरी, मेरे लिए कोई मैसेज लाए हो क्या? हाँ, मिस बैटल एक्स पूछ रही थी कि वो क्या पहन कर आए। मिस बैटल एक्स ऐसे क्यों पूछ रही थी? तुमने ठीक से सुना ना? उन्होंने तो यही कहा था सर। ओ, जंपसूट। उनसे कहना कि जंपसूट पहन कर आए। क्या जंपसूट? हाँ, मैं तो हमेशा वही पहनता हूँ जिम कबर्ड साफ करते समय। उनसे कहना शाम को मिलते हैं। क्या कहा उन्होंने हेनरी? किसने? उन्होंने मतलब मिस्टर सॉगिंगटन ने, उन्होंने बताया कि मुझे क्या पहनना है। हाँ, जंपसूट कहा। जंपसूट? ओह ठीक है, जंपसूट पहन लूंगी। मिस सुनिए। यस हेनरी। उन्होंने कहा आपसे वहाँ मिलेंगे। कहाँ? मुझे नहीं पता, जिम कबड़ के वहाँ। जिम कबड़ के वहाँ? ओह, उस नए रेस्टोरेंट का नाम होगा शायद। क्या बात है। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ जरूर है। हेनरी, तुमने मेरा मैसेज मिस्टर सॉगिंगटन तक पहुंचाया ना? हाँ मिस। और उन्होंने क्या कहा? कहा कि उन्हें जिम कबर्ड पर मिले और उनके घर के पास कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, और हाँ कि जंपसूट पहन कर आना। जंपसूट? बड़ी अजीब बात है। ये चक्कर क्या है हेनरी? पता नहीं यार, मिस ऑडबॉर्ड ने कहा सर से कहो कि उन्हें स्कूल के बाद मिले, पर अब सब उल्टा पुल्टा हो गया यार। रेस्टोरेंट और जिम कबर्ड और जंपसूट और मिस बैटल एक्स।
मुझे तो सब ठीक लग रहा है यार। अच्छा अच्छा, तो कौन बताएगा 8x7 कितना होता है हेनरी? 57। वैसे तो जवाब होना चाहिए 56, पर 57 भी ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर का तो फर्क है। वाह क्या बात है हेनरी। अच्छा चलो ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ। लड़कियों चलो जल्दी जल्दी, तुम लड़के मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहोगे? हेनरी मैं सोच रहा था कि मत सोचो। एक बार मेरी बात तो सुनो, मिस बैटल एक्स और अपने सर सच में कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। बात तो सही है, हमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ज्यादा ही अजीब है ना, और शायद मैं जानता हूँ क्यों अजीब है। क्यों? वो मिस बैटल एक्स सोचती है कि रेस्टोरेंट वाला मैसेज उनके लिए था। हाँ? पर असल में मिस ऑडबॉट के लिए था, है ना? हाँ? और मिस ऑडबॉट सोचती है कि जिम कबर्ड की सफाई वाला मैसेज उनके लिए था, है ना? हाँ? पर वो तो असल में मिस बैटल एक्स के लिए था। हाँ? ओ, अब समझा। एक्चुअली नहीं।